टाइम बहुत बढ़ा रहा है, चार फोन आ गए।
लेकिन सूरज नजदीक होने से लेकर एकदम सूरज दूर दिखाई देगा, लेकिन सूरज नजदीक होने से बड़ा आसमान दिखाई देगा। नजदीक कर दी जाएगी, नजदीक कर दी जाएगी, सूरज भी नजदीक कर दिया जाएगा, लेकिन सूरज नजदीक होने से बड़ा आसमान दिखाई देगा, सब सितारे छुप जाएंगे, सब सितारे छुप जाएंगे, कोई सितारा दिखाई नहीं देगा, कोई सितारा दिखाई नहीं देगा, सब तितर बितर हो जाएंगे सवाए तीन सितारों के एक सितारा अतारद होगा, एक सितारा जोहरा होगा, एक सितारा चांद होगा, तीन सितारे, इन तीनों का साया जमीन पर पड़ेगा, इन तीनों का साया जमीन पर पड़ेगा, चौथा साया किसी सितारे का नहीं होगा, चौथा सितारा साया किसी सितारे का नहीं होगा, सूर्य को कोई और सितारा ढांप नहीं सकता, सूरज को कोई और सितारा ढांप नहीं सकता, सूरज की रोशनी को कोई सितारा ढांप नहीं सकता, जिससे सूरज की रोशनी मध्यम हो जाए, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा सितारा होगा, जो सबसे बड़ा सितारा होगा वही सूरज की रोशनी को ढांप सकता है, सूरज की रोशनी को ढांप सकता है, लेकिन सूरज इतना बड़ा है, सूरज इतना बड़ा है कि इसने 13 लाख जमीनें समा सकती, सूरज इतना बड़ा है इसने 13 लाख जमीनें समा सकती, 13 लाख से ज्यादा सियारा अतारद समा सकते हैं, 13 लाख से ज्यादा सियारा चांद समा सकते हैं, सूरज को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बना, सूरज की रोशनी को ढांपने के लिए कोई इससे बड़ा सूरज दरकार होगा, लेकिन जमीन पर सिर्फ 3 साए होंगे, लेकिन जमीन पर सिर्फ 3 साए, चौथा साया किसी और सियारे का नहीं हो सकता, अगर सूर्य को ढांपने के लिए कोई और सियारा लाया गया तो जमीन पर 4 साए हो जाए, जमीन पर 4 साए हो जाए, 3 साए तो चांद द्वारा अतारद के साए हो गए, चौथा साया सूर्य को ढांपने वाले का हो, इसलिए जमीन पर 4 साए हो जाए, इसलिए जमीन पर सूरज की वजह से क्यामत को सिर्फ 3 साए हो, लेकिन क्यामत के दिन जमीन पर सूरज की वजह से क्यामत को सिर्फ 3 साए हो, जब क्यामत को जन्नत मुत्तकियों के नजदीक कर दी गई, जब क्यामत को जन्नत मुत्तकियों के नजदीक तो जमीन पर सिर्फ 3 साए, सिर्फ 3 साए, जब सूर्य क्यामत को मुत्तकियों के नजदीक कर दिया गया, जन्नत मुत्तकियों के नजदीक कर दी गई, जब सूर्य मुत्तकियों को नजदीक कर दिया गया, मुत्तकियों के नजदीक कर दिया गया तो जमीन पर सिर्फ 3 साए, एक साया सियारा अतारद का होगा, एक साया सियारा जोहरा का होगा, एक साया सियारा चांद, ये 3 साए जमीन पर क्यामत को होंगे, चौथा साया जमीन पर किसी और सियारे का नहीं होगा, ना हो सकता है अल्लाह ताला के प्रमाण को होगा, इस दुनिया में जमीन पर किसी सियारे का साया नहीं पड़ता, इस दुनिया में जमीन पर किसी सियारे का साया नहीं पड़ता, अगर पड़ता तो हमें नजर नहीं आता, अगर सूरज और जमीन के दरमियान में सूरज के अलावा जन्नत मुत्तकियों के नजदीक कर दी गई, अगर सूरज और जमीन के दरमियान में सूरज के अलावा जन्नत मुत्तकियों के दरमियान मुत्तकियों के नजदीक कर दी गई, सूरज के अलावा जन्नत मुत्तकियों के नजदीक ना, अगर सूरज और जमीन के दरमियान में सूरज के अलावा जन्नत मुत्तकियों के नजदीक कर दी गई तो जमीन पर 4 साए हो जाए,
जमीन पर चार साए हो जाएंगे, एक साया जन्नत का भी शामिल हो जाएगा, एक साया जहन्नम का भी शामिल हो जाएगा। लेकिन सूर्य को ढांपने के लिए बहुत बड़ी जन्नत दरकार होगी, सूर्य को ढांपने के लिए बहुत बड़ी जन्नत दरकार होगी जो सूर्य से बड़ी होगी, जो सूर्य से बड़ी होगी। लेकिन जमीन पर सूर्य की वजह सिर्फ तीन साए होगी, लेकिन सूर्य जमीन पर सूर्य की वजह से सिर्फ तीन साए होगी। चौथा साया जमीन पर किसी और सियारे का नहीं हो, लेकिन सूर्य के पास से गुजर को कोई और सियारा सूरज और जमीन के दरमियान में नहीं आ सकता। लेकिन बात यह भी है, सूरज के पास से कोई और बड़ा सियारा गुजर कर जमीन और सूर्य के दरमियान नहीं आ सकता, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है। अगर आएगा सूर्य के पास से कोई और बड़ा सियारा गुजर ही नहीं सकता, अगर कोई सियारा सूर्य के पास से गुजर भी गया तो ये सियारा सूर्य और जमीन के दरमियान में नहीं आ सकता, अगर आएगा तो कहीं और जाएगा, ये बहुत बड़ा कहीं और जाएगा और दरमियान में नहीं आ सकता, दरमियान में नहीं आ सकता। इससे मालूम हुआ कि कयामत के दिन अल्लाह ताला सूर्य की रोशनी को बिल्कुल मध्यम करते हैं। इससे मालूम हुआ कि कयामत के दिन अल्लाह ताला सूरज की रोशनी को बिल्कुल मध्यम कर देगा, इतनी मध्यम होगी जितनी इस दुनिया में शाम के वक्त थोड़ी सी रोशनी होती है, जितनी इस दुनिया में शाम के वक्त थोड़ी सी रोशनी होती है। और सूर्य सुर्ख मलूम होता है, सुर्ख मलूम होता है, सूर्य का एक दिन सुर्ख मलूम होता है। और ये कयामत का दिन रोशनी का दिन नहीं, अंजीर के बोला कयामत का, ये कयामत का दिन रोशनी का दिन नहीं बल्कि अंधेरे का दिन, बल्कि अंधेरे का दिन है। शाम के वक्त थोड़ी सी रोशनी होगी, शाम के वक्त थोड़ी सी रोशनी होगी और सूर्य की रोशनी सुर्ख हो जाएगी, मध्यम रोशनी होने से सूर्य की रोशनी सुर्ख हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी। लेकिन सूर्य इस मकाम पर होगा जिस वक्त दोपहर होगी, सूर्य इस मुकाम पर होगा कि जिस वक्त दोपहर, दुनिया में दोपहर उठा दिखा, दोपहर मुस्तकी अमन से काटे, दोपहर मुस्तकी अमन से काटे, दोपहर को कयामत के दिन दोपहर मुस्तकी अमन से काटे। कयामत के दिन सूर्य की रोशनी मध्यम होगी, सूर्य की रोशनी सुर्ख होगी, सूर्य की रोशनी चमकीली नहीं होगी, सूर्य की रोशनी नीली नहीं होगी, सूर्य कयामत के दिन सूर्य की रोशनी सुर्ख होगी, कयामत के दिन सूर्य की रोशनी सुर्ख होगी जिससे जमीन पर सिर्फ तीन साए नजर आए बगैर के। जिससे जमीन पर सिर्फ तीन साए नजर आए, सूर्य की रोशनी मध्यम होगी जिससे शायद सिर्फ साए नजर ही जाएंगे, ना साया देने वाला ना आपके छोड़ से बचाने वाला, तीन सारा साया नहीं बचाएगा, फिर सिर्फ तीन साए नजर आएंगे। लेकिन मुस्तकी दोपहर आराम से गुजारेंगे, लेकिन मुस्तकी दोपहर आराम से गुजारेंगे, लेकिन जमीन अल्लाह ताला के नूर से चमक जाएगी, सारी जमीन रोशन हो जाएगी, सारी जमीन रोशन हो जाए। सूरज की वजह से जमीन बंजर नकाबले जरार भुरभुरी, सूरज की वजह से जमीन बंजर नकाबले जराए भुरभुरी, रेत की मानत, रेत की मानत, रेजा रेजा, रेत की मानत रेजा हो जाएगी। कयामत को जमीन तोड़ तोड़ कर रेजा रेजा कर दी जाएगी, कयामत को जमीन तोड़ कर रेजा रेजा कर दी जाएगी, कयामत को जमीन लंबी कर दी जाएगी, मुद्दत कयामत को जमीन दराज कर दी जाएगी, कयामत को जमीन अपने सब खजाने निकाल देगी, कयामत को जमीन अपने सब खजाने निकाल देगी, कयामत को जमीन खाली हो जाएगी, तखल्लुक कयामत को जमीन खाली हो जाएगी, अपने सब दफीने बाहर निकाल देगी,
قیامت کے دن زمین پر سے سب پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے, اسی کی وجہ سے اٹھا لیے جائیں گے, پہاڑ اون دھنی ہوئی کی مانند ہو جائیں گے, قیامت کو زمین چٹیل میدان ہو جائے, اس پر نہ کوئی دیلا اور نہ کوئی کچان رہے, قیامت کو زمین پر سے خانہ کعبہ اٹھا لیا جائے, زمین پر مصیبت آ جائے, زمین پر مصیبت آ جائے گی, زمین اندر سے کھوکھلی ہو جائے, زمین میں صرف پہاڑوں کی میخیں رہ جائیں گی, زمین میں صرف پہاڑوں کی میخیں رہ جائیں گی, زمین کے اندر پہاڑوں کی میخیں رہ جائیں گی جو بوجہ ستونوں کے ہوں گی, بوجہ ستونوں کے ہوں گی, زمین اپنے سب خزانے نکال دے گی, اندر سے خالی ہو جائے گی, زمین میں سے پٹرول, مٹی کا تیل, گیس, پتھر کا کوئلہ, گندک سب نکل جائے, زمین میں سے تخلق, زمین میں سے پٹرول, مٹی کا تیل, گیس, پتھر کا کوئلہ, گندک سب نکل جائیں گے اور زمین کے اوپر آگ کی شکل میں جلنے لگیں گے, زمین کے اوپر آگ کی شکل میں جلنے لگیں گے, اس وجہ سے ساری زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے روشن ہو جائے, زمین میں سے سب چیزیں باہر نکل آئیں گی, زمین کے اوپر آ جائیں گی, جس کی وجہ سے زمین اور موٹی ہو جائے گی, زمین اور موٹی ہو جائے گی, زمین دراز ہو جائے گی, زمین اور ٹھہر جائے گی اور زمین اندر سے خالی ہو جائے گی, صرف زمین میں پہاڑوں کی میخیں رہ جائیں گی, پہاڑوں کے ستون رہ جائیں گے, پہاڑ رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے وقت پیدا کرنے زمین کے, اس میں گاڑ دیے کہ ہل نہ پائے, جو زمین میں ستونوں کا کام دے گی, زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے, زمین اللہ تعالیٰ کے امر سے روشن ہو جائے گی, زمین قیامت کو پٹرول, مٹی کا تیل, کوئلہ, گندک کے جلنے سے روشن ہو جائے گی, ساری زمین روشن ہو جائے گی, ساری زمین چمک جائے گی, زمین کو روشنی زرد ہوگی, زمین کی روشنی زرد ہوگی, پٹرول کی روشنی زرد ہوگی, گیس کی روشنی زرد ہی ہوگی, چمکیلی نہیں ہوگی, مطلب یہ ہے روشنی زرد ہوگی, ساری زمین روشن ہو جائے گی, ساری زمین چمک جائے گی, زمین کو روشنی, زمین کی روشنی زرد ہوگی, زرد اونٹوں کی قطاروں کی طرح زرد ہوگی, گیس کی روشنی زرد ہوگی, پٹرول کی روشنی زرد ہوگی, گندک کی روشنی زرد ہوگی, زمین تانبے کی مانند زرد ہوگی, زمین تانبے کی مانند زرد ہوگی, زمین پر آگ ہی آگ ہوگی جس سے زمین روشن ہو جائے, زمین پر سب پانی آگ بن جائے گا, زمین پر سب پانی آگ بن جائے گا, زمین اندر سے کھوکھلی ہو جائے گی, قیامت کے دن زمین, قیامت کے دن زمین غیر زمین سے بدل دی جائے گی, قیامت کے دن زمین غیر زمین سے بدل دی جائے گی, قیامت کے دن زمین دوزخ ہو جائے گی, قیامت کے دن زمین دوزخ ہو جائے گی, دوزخ اندر سے کھوکھلی ہو جائے گی, دوزخ کے اندر پہاڑوں کے سکون ہوں گے, زمین کے اندر پہاڑوں کی میخیں ہوں گی, زمین کے اندر سے کھوکھلی ہو جائے گی, زمین کے اوپر اور کوئی سیارہ دوزخ نہیں ہو سکتا, زمین کے اوپر اور کوئی سیارہ دوزخ نہیں ہو سکتا, نہ کوئی اور سیارہ زمین کو کراس کر کے زمین کے اوپر آ سکتا ہے, اگر زمین سے کوئی سیارہ کراس کرے اوپر آئے گا تو کسی اور طرف جائے گا, اگر زمین پر کوئی اور سیارہ بھی آ گیا تو زمین پر چار سائے ہو جائیں, پھر زمین پر چار کوئی سیارہ آ بھی گیا, دوزخ بن کے آ گیا تو زمین پر چار سائے ہو جائیں, تین سائے زمین پر سیارہ اتار, سیارہ زہرہ, سیارہ چاند کے سائے ہوں گے, چوتھا سایہ دوزخ کا ہو جائے گا, لیکن زمین پر صرف تین سائے, لیکن زمین پر صرف تین سائے ہوں گے, چوتھا سایہ کسی دوزخ کا نہیں ہوگا, چوتھا سایہ کسی دوزخ کا نہیں ہوگا, اس لیے صرف زمین ہی دوزخ معلوم ہوتی ہے, اس لیے صرف زمین ہی دوزخ معلوم ہوتی ہے, یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی آگ سے بھڑکائی جائے گی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی آگ سے بھڑکائی جائے گی, زمین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی آگ سے بھڑکائی جائے گی, قیامت کو کوئی اور سیارہ زمین کے ساتھ دوزخ نہیں ہو سکتا, زمین کے نزدیک سیارہ مریخ ہے, زمین کے نزدیک سیارہ مریخ ہے, یہ زمین سے چھوٹا ہے,
जमीन से छोटा है और अंदर से खाली भी नहीं है, अंदर से खाली नहीं है, पुराने पाक का हुक्म का अंदर से खाली नहीं है, और ना ही मरीख में पहाड़ों की मेघे हैं, ना ही जमीन के अंदर पहाड़ों की मेघे, मरीख के अंदर पहाड़ों की मेघे हैं, और इसलिए मरीख दोजख नहीं है, इसलिए मरीख दोजख नहीं हो सकता, ना है। जो सियारा सूरज के नजदीक होगा वो पिघला हुआ है, जो सियारा अब सूरज के नजदीक है वो पिघला हुआ है, मरकरी की मानद है, पारे की मानद है, पिघले हुए तांबे की मानद है, जो सियारा सूरज के नजदीक होगा वो पिघला हुआ होगा, उसको मरकरी कहा जाए, मरकरी पारे का नजदीक मरकरी कहा जाएगा, मरकरी अंग्रेजी मरकरी नहीं कहते, जो सियारा जन्नत के नजदीक होगा उसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाएगा, जन्नत के करीब होगा उसको सियारा मतलब सिदरतुल मुंतहा कहा जाएगा, सियारा अतार सूरज से बिल्कुल नजदीक होगा, है ये सिदरतुल मुंतहा होगा, सियारा अतार जो सूरज के नजदीक है वो क्या होगा, सिदरतुल मुंतहा होगा, जन्नत के नजदीक जो सियारा है वो सिदरतुल मुंतहा होगा, तो सूरज के नजदीक जो सियारा है वो सिदरतुल मुंतहा होगा, जन्नत और मावा से बिल्कुल नजदीक है, जन्नत और मावा से बिल्कुल नजदीक है, कि दिन सूरज और जमीन के दरमियान तीन सियारों के सिवाय और सियारा नहीं होगा, ना कोई जन्नत होगी ना कोई दोजख होगी, सिवाय सूरज के जो जन्नत होगा, सिवाय जमीन के जो दोजख होगी, सिर्फ सूरज जन्नत और मावा होगा, सिर्फ जमीन दोजख होगी, दिन ही दोजख जलाई जाए, पहले नहीं जलाई जाए, क्यामत के दिन ही दोजख जलाई जाए, क्यामत के दिन ही जन्नत करीब की जाए, पहले जिस वक्त दोजख जलाई जाएगी उसी वक्त दोजख जलाई जाए, जिस वक्त दोजख जलाई जाएगी और उसी वक्त दोजख जलाई जाएगी जिस वक्त जन्नत करीब का भी जाए, क्यामत के दिन से पहले ना दोजख जलाई जाएगी ना क्यामत के दिन से पहले जन्नत करीब की जाए, क्यामत के दिन ही दोजख बनाई जाएगी और क्यामत के दिन ही जन्नत करीब की जाए, जन्नत
فاتق یوم تات سماو بے دخان مبین یکشن ناتا خاضا عذاب و نریم. یہ ترجمہ ہے پس انتظار کر اس دن کا جس دن آسمان دھواں ظاہر لائے گا, جس دن آسمان دھواں ظاہر لائے گا ڈھانک لے گا لوگوں کو, یہی ہے عذاب کر دینے والا, یہی عذاب کر دینے والا. تو تشریح یہ ہے, اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے بس وہ دھواں کہاں سے آئے گا, بس وہ دھواں کہاں سے آئے گا, وہ دھواں آسمان سے آسمان ظاہر کرے گا, وہ دھواں آسمان سے ظاہر ہوگا. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے بس وہ دھواں کہاں سے آئے گا, وہ دھواں آسمان ظاہر لائے گا, وہ آسمان دھواں ظاہر لائے گا جو لوگوں کو ڈھانک لے گا, یہی عذاب علیم, یہی عذاب علیم ہوگا. گرم دھواں آسمان کی طرف جاتا ہے, گرم دھواں آسمان کی طرف جاتا ہے, ٹھنڈا دھواں آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے, ٹھنڈا دھواں زمین آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے, کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے بھاری ہوتا ہے. شاید یہ دھواں دھند کا دھواں ہو, شاید یہ دھواں دھند کا دھواں ہو جو قیامت کے دن سورج کا زمین کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ہو, شاید یہ اللہ پاک جانتا ہے, شاید شاید یہ دھواں دھند کا دھواں ہو جو قیامت کے دن سورج کا زمین کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ہو, زمین کے دونوں کونوں پر جو برف پڑی ہے, زمین کے کونوں پر جو برف پڑی ہے جو آج تک پگھلی ہی نہیں, جب سے زمین بنی جاتی ہے پگھلی ایسے پڑی ہو پگھل جائے, زمین کے دونوں کونوں پر جو برف پڑی ہوئی ہے پگھل جائے, اس پگھلنے سے جب سورج نزدیک آئے گا تو سورج کی وجہ سے وہ پگھلے گی, جو دھواں پیدا ہوگا اس پگھلنے سے جو دھواں پیدا ہوگا پگھل جائے, اس پگھلنے سے جو دھواں پیدا ہوگا وہ دھند میں بدل جائے, وہ دھند میں بدل جائے گا اور ٹھنڈی دھند لوگوں کو ڈھانک لے گی, ٹھنڈی دھند لوگوں کو ڈھانک لے گی, وہ ٹھنڈی دھند مجرموں کو ڈھانک لے گی, مجرموں کو چھپا لے گی, جس سے سب کچھ نظر نہ آئے گا, انہیں سب کچھ نظر نہیں آئے گا, سورج اس دھند کی وجہ سے چھپ جائے گا, سورج اس دھند کی وجہ سے چھپ جائے گا, بہت سردی ہو جائے گی, بہت سردی ہو جائے گی, ہر ایک چیز سن ہو جائے گی, ہر ایک چیز ہر ایک مجرم بدکار کانپنے لگیں گے, اتنی سردی ہو کہ جم جائے, یہی مجرموں کے لیے عذاب علیم ہے. یہ دھواں آسمان سے کہاں سے آئے گا, یہ دھواں سے دھواں آسمان سے کہاں سے آ سکتا ہے, زمین کے نزدیک چاند ہے, چاند سے یہ دھواں نہیں آ سکتا, چاند سے یہ دھواں نہیں آ سکتا, سیارہ زہرہ سیارہ سے یہ دھواں نہیں آ سکتا, سیارہ عطارد سے یہ دھواں نہیں آ سکتا, یہ دھواں صرف زمین سے آ سکتا ہے, یہ دھواں صرف زمین سے آ سکتا ہے. یہ اگر یہ دھواں زمین کا گرم ہوگا, اگر یہ دھواں زمین کا گرم ہوگا تو آسمان کی طرف جائے گا, اوپر کی طرف جائے گا, اگر یہ دھواں زمین کا ٹھنڈا دھواں ہوگا تو یہ دھواں زمین کی طرف آئے گا, یہ دھواں زمین کی طرف آئے گا اور لوگوں کو ڈھانک لے گا, یہی عذاب علیم ہوگا, یہی عذاب سوا ان مجرموں کو دھوئے کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا, اس دھند کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا, اپنا جسم بھی نظر نہیں آئے گا, کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, ان مجرموں کو دھوئے کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا, یہ برف کا برف کی دھند والا دھواں ہوگا جو مجرم لوگوں کو ڈھانک لے گا, اس دھوئے سے پاک و پاکیزہ لوگ, اس دھوئے سے پاک و پاکیزہ لوگ انبیاء علیہ السلام, صالحین علیہ السلام, صدیقین علیہ السلام, شہداء علیہ السلام, فرمانبردار علیہ السلام بچ جائیں گے, بچ جائیں گے, ان سب کو کچھ تکلیف نہ ہوگی, یہ دھواں آنے سے پہلے چاند میں چلے جائیں گے, یہ دھواں ظاہر ہونے سے پہلے یہ سب لوگ چاند میں چلے جائیں گے, جو زمین کے قریب جگہ ہے وہاں چلے جائیں گے, اس دن یہ سب لوگ گرم دھوئیں سے بچ جائیں گے اور ٹھنڈے دھوئیں سے بھی بچ جائیں گے, بچ جائیں گے, اس دن گرم دھواں بھی ہوگا اور ٹھنڈا دھواں بھی ہوگا,
एक दिन पहले ठंडा होगा फिर गर्मी शुरू होगा, एक दिन गर्म धुआं भी होगा और ठंडा धुआं भी होगा, ये दोषियों को ढांक लेगा, ये दोषी लोगों को ढांक लेगा, यही अजाब अलीम होगा। इंजील मुकद्दस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुआ मांगो कि क्यामत का दिन जाड़े में ना आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंजील में, दुआ मांगो, सब मुसलमानों से कहते हैं दुआ मांगो कि क्यामत का दिन जाड़े में ना आए, क्यामत के दिन ठंड ठंड में ना आए, क्यामत के दिन सर्दी में ना आए। दुआ मांगो, सरकार फरमाते हैं भी दुआ मांगो, तुम दुआ मांग रहे हो तो ये आवे तो गर्मी की भी आवे, मतलब है इंजील मुकद्दस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुआ मांगो कि क्यामत का दिन जाड़े में ना आए, अगर आया तो यही धुंध वाला धुआं होगा, यही धुंध वाला दिन होगा, अगर आया तो यही धुंध वाला दिन होगा, सर्दी वाला दिन होगा, कांपने वाला दिन होगा, इस दिन से जमीन भी कांपेगी और इस दिन से मुजरिम लोग भी कांपेंगे और पहाड़ भी कांपेंगे और हो जाएंगे रेजा रेजा, ठंड से रेजा रेजा हो जाएंगे, तोड़ तोड़ कर रेजा रेजा हो जाएंगे, जान निकलेगी लेकिन मरेंगे नहीं। दुआ मांगो क्यामत के दिन जाड़ा ना आए, जरूर आए। दुआ मांगो कि जाड़ा क्यामत के दिन, क्यामत के दिन जाड़ा ना आए, जाड़े के दिन में क्यामत ना आए, लेकिन जाड़ा भी जरूर आएगा और दूसरा भी काम होएगा, तपश वाला दिन भी होगा। दुआ मांगो क्यामत के दिन जाड़ा ना आए, जरूर आएगा क्यामत के दिन जब जन्नत जमीन के करीब का आ गई, क्यामत के दिन जब जन्नत जमीन के करीब आ गई, जब सूरज जमीन के नजदीक आ गया, जब अर्श खुदावंद जमीन के नजदीक आ गया, जब कुर्सी कुदरत जमीन के नजदीक आ गया, जब लोहे महफूज जमीन के नजदीक आ गया, तो क्या होगा, क्या होगा, तो सिदरतुल मुंतहा भी जमीन के नजदीक आ जाएगा, तो सिदरतुल मुंतहा भी जमीन के नजदीक आ जाएगा, स्यारा तारा भी जमीन के नजदीक आ जाएगा, स्यारा गौरव भी नजदीक जमीन आ जाएगा, फिर स्यारा चांद भी जमीन के नजदीक आ जाएगा, मुंतहा भी जमीन के नजदीक आ जाएगा, फिश्तगान खुदा भी जमीन के नजदीक आ जाएंगे, फिश्तगान खुदा भी जमीन के नजदीक आ जाएंगे, स्यारा अतारत भी जमीन के नजदीक आ जाएंगे, स्यारा गौरव भी जमीन के नजदीक आ जाएगा, स्यारा चांद भी जमीन के नजदीक आ जाएगा, यानी सब स्यारगान जमीन के नजदीक आ, सब स्यारगान जमीन के नजदीक आ जाएंगे, जब सूरज चारम आसमान से पहले आसमान तीसरे आसमान पर आएगा, जब सूरज चहारम आसमान से या पहले आसमान से जमीन के नजदीक आ जाएगा, तीसरे आसमान पर, तीसरे आसमान से पहले आसमान पर आ जाएगा, चौथे आसमान से पहले आसमान पर आ जाएगा, फिर तीसरे आसमान से आ जाएगा, जब जन्नत चहारम आसमान से तीसरे आसमान पर पहले आसमान पर आ जाएगा, जब अर्श खुदावंद चहारम आसमान से तीसरे आसमान पर पहले आसमान पर आ जाएगा, जब कुर्सी कुदरत चारम आसमान से तीसरे आसमान पर पहले आसमान पर आ जाएगा, जब लोहे महफूज चारम आसमान से तीसरे आसमान पहले आसमान पर आ जाएगा, तो क्या होगा, तो सिदरतुल मुंतहा तीसरे आसमान से दूसरे आसमान पहले आसमान पर आ जाएगा और स्यारा तारक तीसरे आसमान से दूसरे आसमान पर आ जाएगा, स्यारा जोहरा दूसरे आसमान से पहले आसमान पर आ जाएगा और स्यारा चांद पहले आसमान से जमीन के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, चांद से जमीन के बिल्कुल करीब आ जाएगा, तो क्या होगा, आसमान का रास्ता खुल जाएगा, आसमान का रास्ता खुल जाएगा, फरिश्तगान खुदा जमीन के नजदीक आ जाएंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे और अरवाहे सालीन अलैहिस्सलाम, अरवाहे अंबिया अलैहिस्सलाम सब जमीन पर तशरीफ लाए, अरवाहे अंबिया अलैहिस्सलाम, अरवाहे सालीन अलैहिस्सलाम, अरवाहे सिद्दीकीन अलैहिस्सलाम, अरवाहे शहदा अलैहिस्सलाम, अरवाहे फरमानबरदार अलैहिस्सलाम, मुत्तकी परहेजगार अलैहिस्सलाम, ये अरवाह वो जमीन के जमीन पर तशरीफ लाएंगे, सब अरवाहे सालीन अलैहिस्सलाम मुकामे आला इल्लियीन से, मुकामे आला इल्लियीन से जमीन पर तशरीफ लाएंगे, तो क्या होगा, जब सूरज जमीन के नजदीक आ गया तो जमीन की सारी बर्फ, पहाड़ों की सारी बर्फ पिघल कर कुछ पानी बन जाएगा और कुछ धुंध बन जाएगा, कुछ ठंडा धुआं बन जाएगा, ये धुआं सारी जमीन को लपेट में ले लेगा,
सारे पहाड़ों को लपेट में ले लेगा, सारे इंसानों को अपनी लपेट में ले लेगा, सारे आसमान को अपनी लपेट में ले लेगा, अपनी लपेट में ले लेगा, सूरज को अपनी लपेट में ले लेगा, कुछ नजर नहीं आएगा, धुआं ही धुआं होगा, ठंडा धुआं होगा, धुंध वाला धुआं होगा, ये सब ठंडा धुआं जमीन पर उतर जाएगा, जमीन के और पहाड़ों के हालात खराब हो जाएंगे और सर्दी की वजह से जमीन भी कांपने लगेगी, पहाड़ भी कांपने लगेंगे, इंसान भी कांपने लगेंगे, सब तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, अब तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, जमीन अपने सब खजाने बाहर निकाल देगी, उस वक्त जमीन अपने सब खजाने बाहर निकाल देगी, पहाड़ सब रेत हो जाएंगे, पहाड़ सब रेत हो जाएंगे, क्या तो क्या होगा, इस तोड़फोड़ से पहले सब अंबिया अलैहिस्सलाम, इस तोड़फोड़ से पहले, इस तोड़फोड़ से पहले सब अंबिया अलैहिस्सलाम और फरिश्ते खुदा आसमान पर चढ़ जाएंगे और चांद में चले जाएंगे, जमीन का हशर और दोजखी का हशर देखेंगे, तख्तों को बैठ पर जमीन का हशर और दोजखियों का हशर देखेंगे, गर्म धुआं सब आसमान पर चढ़ जाएगा और बर्फ का ठंडा धुआं सब जमीन पर फैल जाएगा, मुजरिमों को ढांक लेगा, यही अज़ाब अलीम हुआ, ये मेरा नजरिया है अल्लाह। आसमान के और आसमान के दरवाजे हो जाएंगे, आसमान के दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे, आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे, आसमान का रास्ता खुल जाएगा, जब सूरज नजदीक आया, आसमानों को फाड़ कर नजदीक जमीन के आया, तो एक आसमान से दूसरे आसमान, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर इन सियारों के जरिए सब जनती आसमान पर चले जाएंगे, इन सियारों के जरिए, चांद के जरिए, सारा दोहरा के जरिए, सारा तारक के जरिए आसमान पर चले जाएंगे, कौन से आसमान पर, सब आसमान पर, लेकिन मुजरिमों के लिए आसमान के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, होंगे हैं, लेकिन मुजरिमों के लिए आसमान के दरवाजे बिल्कुल बंद होंगे, ये सब जमीन पर जानू पर गिरे हुए रह जाएंगे, ये सब जमीन पर, ये सब जमीन पर जानुओं पर गिरे हुए रह जाएंगे, उस वक्त सब जमीन पर अजाब अलीम हो, जमीन पर अजाब अलीम हो, दिन जमीन पर अजाब अलीम होगा, यही जमीन दोजखियों के लिए दोजख में तब्दील हो जाएगी, यही जमीन दोजखियों के लिए तब्दील हो जाएगी, दोजख में तब्दील हो जाएगी, क़यामत के दिन दोजखी जमीन के अंदर चले जाएंगे, क़यामत दोजख के अंदर जमीन में चले जाएंगे, यही जमीन इनके लिए कैदखाना में तब्दील हो जाएगी, यही जमीन इनके लिए सिज्जीन में तब्दील हो जाएगी, यही जमीन इनके लिए बैल में तब्दील हो जाएगी, यही जमीन इनके लिए हुक्मा में तब्दील हो जाएगी, यही जमीन इनके लिए शहीर में तब्दील हो जाएगी, कार में तब्दील हो जाएगी, अंदर से बैल जो सबसे निचला जगह तहत सराह जो जमीन में है वो दोजख बन जाए, मेरा यही नजरिया अल्लाह आलम, जब क़यामत के दिन सूरज की वजह से जमीन का ठंडा धुआं खत्म हो जाएगा, जब क़यामत के दिन सूरज की वजह से जमीन का ठंडा धुआं खत्म हो जाएगा तो जमीन का गर्म धुआं शुरू हो जाएगा, तो गर्म धुआं शुरू हो जाएगा, जमीन पर आग शुरू हो जाएगी, जलाई जाएगी, भड़काई जाएगी, शुरू हो जाएगा गंधक के धुएं की, पेट्रोल के धुएं की आग, गैस के धुएं की आग सब फैल जाएगी और मुजरों को फिर अपनी लपेट में ले लेगी, ये भी मुजरों के लिए अज़ाब अलीम हो सकता है, जब क़यामत के दिन अरवाहे अंबिया अलैहिस्सलाम जमीन पर अलालीन से लाए जाएंगे, जब जमीन पर फैज़र रसूल के तक, जब क़यामत के दिन अरवाहे अंबिया अलैहिस्सलाम जमीन पर इलीन से लाए जाएंगे तो अल्लाह ताला इन सब अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाहे पाक को फरमाएगा, ऐ मुतमैन नफ्स, ऐ मुतमैन नफ्स, अंबिया अलैहिस्सलाम के नफ्स मुतमैन होते हैं, ऐ नफ्स मुतमैन नफ्स, ऐ मुतमैन नफ्स, मैं तुम सब पर बहुत राजी, ऐ मुतमैन नफ्स, मैं तुम पर बहुत राजी और तुम सब मुझ पर बहुत राजी हो, पर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ रजू करो और अपने अपने जिस्मों में दाखिल होकर और अपने अपने जिस्मों में दाखिल होकर जमीन पर से चांद पर चले जाओ
और चांद पर से जोरा पर और जोरा पर से सिदरत मुमताहा पर और जोरा पर से अतारब पर रुख पर और अतारब पर से सूरज पर चले जाओ और फिर जन्नत पर चले जाओ फरिश्तों के साथ मिलकर इबादत करो। फिर जन्नत का रास्ता यही है यही सिराते मुस्तकीम। दोज़खियों को ऊपर से भी अज़ाब ढांकेगा और नीचे से भी अज़ाब ढांकेगा। ये सब अज़ाब उस वक्त शुरू होंगे जब जन्नती सब जान में चले जाएंगे। जब जन्नती सब जान में चले जाएंगे इन सब को जरा भर भी अज़ाब न लग सकेगा। ये सब जन्नती क़यामत के दिन अज़ाब शुरू होने से पहले पहले ही जान में चले जाएंगे और इन सबको फरिश्तों ने खुदा लेने आएंगे। इन सब को फरिश्तों ने खुदा लेने आएंगे जहां तक कि सब लोग इनकी भीख भी न सुनेंगे, जमीन की तोड़ फोड़ न सुनेंगे, इनकी भीख भी न सुनेंगे, इन सबको कुछ बुराई न लगेगी और ना कुछ ना गमगी होगी। इस दिन अल्लाह ताला ना रिसवा करेगा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को, इस दिन ना रिसवा करेगा, दूसरा पर तकलीफ रिसवा ना करेगा। इस दिन अल्लाह ताला ना रिसवा करेगा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को और इन लोगों को जो इनके साथ ईमान लाए, जिनके साथ ईमान लाए अल्लाह ताला ने रिसवा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा आला आलि मुहम्मद। بسم اللہ الرحمن الرحیم المعارج یہ اٹھی آیات یوم تکون السماوات یوم تکون السماوات کل مہر یہ ترجمہ ہی ہے جس دن ہوگا آسمان مانند تلچھڑ تیل کے جس دن آسمان مانند تلچھڑ تیل کے ہوگا کبھی آسمان بھی مانند تلچھڑ تیل کے ہوگا آسمان ایڈا سورج جو ہے اسے آسمان تلے تیل دے مانگ رہا سارا آسمان ایڈا بڑا آسمان سارا ہی تلے تیل کی مانگ رہا کل یوم تکون السماوات کل مغرب جس دن یوم قیامت کے دن جس دن ہوگا آسمان مانند تلے تیل کے اور ہوں گے پہاڑ سر خون دھوئی ہوئی تھے اگر میں عربی نہیں لکھی مگر ترجمہ نار پہ قیامت کے دن آسمان سرخ تری کی مانند ہوگا قیامت کے دن آسمان سرخ تری کی مانند ہوگا قیامت کے دن آسمان مانند تلچھڑ تیل کے ہوگا مانند تلچھڑ تیل کے ہوگا قیامت کے دن آسمان سرخ کیوں ہوگا قیامت کے دن آسمان سرخ کیوں ہوگا اس دنیا میں جب سورج بہت چمکیلا نظر آ رہا ہے اس دنیا میں جب سورج بہت چمکیلا نظر آ رہا ہے لیکن آسمان پر نیلا نظر آ رہا ہے لیکن آسمان نیلا نظر آ رہا ہے سورج تو چمکیلا نظر آ رہا ہے لیکن آسمان پر نیلا نظر آ رہا ہے تو قیامت کے دن آسمان کیوں سرخ کیوں غلوم ہوگا سارا ہی آسمان ایک تھوڑا یعنی سارا ہی اس دنیا میں جب سورج بہت چمکیلا نظر آ رہا ہے لیکن آسمان نیلا نظر آ رہا ہے قیامت کو قیامت کے دن یہ نیلا آسمان سرخ آسمان کیوں ہو جائے گا قیامت کے دن یہ نیلا آسمان سرخ کیوں ہو جائے گا قیامت کے دن نیلا آسمان ایک بدل کی بدلی کی وجہ سے پھٹ جائے گا نیلا آسمان بدلی کی وجہ سے پھٹ جائے گا یہ بدلی کون سی ہوگی یہ بدلی سورج ہوگی قیامت کے دن سورج کی آگ مدھم کر دی جائے گی قیامت کے دن سورج کی آگ مدھم کر دی جائے گی جب سورج کی آگ مدھم کر دی گئی تو سورج سرخ رنگ کا ہو جائے گا جس کو شام کے وقت سرخی ہوتی ہے سرخ بالکل سرخ ہو جائے گا جیسے شام دیر ہے سورج بڑا سرخ ہوگا جب قیامت کے دن سورج کی آگ مدھم کر دی جائے گی جب سورج کی آگ مدھم کر دی گئی تو سورج سرخ رنگ کا ہو جائے گا ہو جائے گا اور سورج کو زمین کے قریب ہونے کا حکم دیا جائے گا سورج کو زمین کے قریب ہونے کا حکم دیا جائے گا سورج جیسے جیسے زمین کے قریب آتا جائے گا سورج
मुझे जैसे जैसे जमीन के करीब आता जाएगा बहुत बड़ा होता जाएगा, बहुत बड़ा होता जाएगा। जब सूर्य जमीन के बिल्कुल करीब आ गया तो बहुत बड़ा नजर आएगा, इतना बड़ा नजर आएगा जैसे सूर्य सारा आसमान होता है, जैसे सूर्य सारा आसमान होता है। सूर्य जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, सूर्य जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। जब क्यामत के दिन जमीन के नजदीक आएगा तो बहुत बड़ा नजर आएगा, और इतना बड़ा नजर आएगा जैसे सारा आसमान होता है, जैसे सारा आसमान होता है। क्यामत के दिन सूर्य जमीन के किनारों तक आसमान ही आसमान होगा, जमीन के किनारों तक आसमान ही आसमान होगा, इतना बड़ा सूर्य होगा। इसके किनारों पर फरिश्ते हुए खुदा ताला की इबादत करते हुए, उसकी तस्दीक करते हुए, जो ईमानदार उनके लिए दुरूद सलाम पढ़ते हुए, इतना बड़ा नजर आएगा जैसे सारा आसमान होता है। क्यामत के दिन सूर्य जमीन के किनारों तक आसमान ही आसमान होगा। उस दिन सूर्य की रोशनी मतलब होने की वजह सुर्ख रोशनी होगी, सुर्ख रोशनी होगी। क्यामत के दिन जन्नतुल मावा को जमीन के नजदीक होने का हुक्म दिया जाएगा। दूसरी तरफ क्यामत के दिन जन्नतुल मावा को जमीन के नजदीक होने का हुक्म दिया जाएगा। जब जन्नत जमीन के बिल्कुल करीब आ गया तो बहुत बड़ा नजर आएगा, जन्नत बहुत बड़ा नजर आएगा, इतना बड़ा नजर आएगा जैसे सारा आसमान होता है, जन्नत भी सारा आसमान नजर आएगा, क्योंकि जन्नत बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि जमीन से लेकर आसमान तक जन्नत, जमीन से लेकर आसमान तक जन्नत है। जन्नत का अर्थ जमीन से लेकर आसमान तक है। जो क्यामत के दिन जब जन्नत जमीन के बिल्कुल करीब आ गया तो सारा आसमान हो जाएगा, जमीन के किनारों तक जन्नत ही जन्नत होगा, जहां तक इंसान की नजर जाएगी जमीन ही जन्नत ही जन्नत होगा, जमीन से लेकर समावाद तक जन्नत ही जन्नत होगा। क्यामत के दिन जमीन के ऊपर जन्नत ही जन्नत होगा, जन्नत सारी जमीन को घेर लेगी, सारी जमीन को घेर लेगी। जन्नत से कुछ आगे और दिखाई ही नहीं देगा, सूर्य से आगे कुछ और दिखाई नहीं देगा। जब जन्नत जन्नत कुछ दिखाई नहीं देगा, जन्नत मुल्कुल कबीरा होगा, जन्नत मुल्कुल कबीरा है, जन्नत मुल्कुल कबीरा होगा, सूरज मुल्कुल कबीरा है। फिर क्यामत के दिन अर्श अज़ीम को जमीन के नजदीक होने का हुक्म दिया जाएगा। हाँ, क्यामत के दिन अर्श अज़ीम को जमीन के नजदीक होने का हुक्म दिया जाएगा। अर्श अज़ीम आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नजदीक आएगा। वाहिया आसमान जनों का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, स्वस्थ होगा उस दिन आसमान स्वस्थ होगा। क्या स्वस्थ होगा? सूर्य स्वस्थ होगा, जमीन स्वस्थ, आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर की तरफ आएगा, जमीन भी आहिस्ता आता है, सूर्य भी आहिस्ता आहिस्ता आएगा, जन्नत भी आहिस्ता आएगा और अर्श भी आहिस्ता आहिस्ता आएगा। क्यामत के दिन अर्श अज़ीम को जमीन के नजदीक होने का हुक्म दिया जाएगा। अर्श अज़ीम आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब आएगा। जब अर्श अज़ीम जमीन के बिल्कुल नजदीक आ गया तो बहुत बड़ा नजर आएगा, इतना बड़ा नजर आएगा जैसे सारा आसमान होता है, अर्श अज़ीम सारा आसमान होता है। जमीन के किनारों तक अर्श ही अर्श होगा, जहां तक नजर जाएगी अर्श ही अर्श होगा। क्यामत के दिन जमीन के ऊपर अर्श ही अर्श होगा, अर्श सारी जमीन को थाम लेगा, अर्श से आगे कुछ और दिखाई नहीं देगा। क्यामत के दिन सूर्य भी बहुत बड़ा होगा, क्यामत के दिन जन्नत भी बहुत बड़ा होगा, क्यामत के दिन अर्श भी बहुत बड़ा होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुराने पाक में सूरज को हाजा अकबर फरमाया। अल्लाह ताला ने जन्नत को कुरान पाक में मुल्कुल कबीरा फरमाया, अल्लाह ताला ने अर्श को कुरान पाक में अर्श अज़ीम फरमाया। तीनों ही बहुत बड़े हैं, हकीकत में ये तीनों ही बहुत बड़े हैं, बल्कि चारों ही बहुत बड़े हैं। अगर क्यामत के दिन सूर्य जमीन के नजदीक होगा तो नीला आसमान नजर नहीं आएगा। अगर क्यामत के दिन सूर्य जमीन के नजदीक होगा तो नीला आसमान नजर नहीं आएगा, सूरज नजर आएगा, सूरज नजर आएगा। अगर क्यामत के दिन जन्नत जमीन के नजदीक होगा तो नीला आसमान नजर नहीं आएगा, नीला आसमान नजर नहीं आएगा, जन्नत ही जन्नत नजर आएगा। अगर क्यामत के दिन अर्श अज़ीम जमीन के नजदीक आएगा तो नीला आसमान नजर नहीं आएगा, अर्श ही अर्श नजर आएगा।
قیامت کے دن نیلا آسمان نظر نہیں آئے گا, سورج نظر آئے گا. قیامت کے دن نیلا آسمان نظر نہیں آئے گا, جنتی نظر آئے گا. قیامت کے دن نیلا آسمان نظر نہیں آئے گا, عرشی عرش نظر آئے گا. یہ تینوں ہی بہت بڑے ہیں, ایک کو جگہ نہیں ملے گی, ایک کو جگہ ہی نہیں ملے گی. یہ ایک جگہ پر سما نہیں سکتے, ایک جگہ پر سما نہیں سکتے. حقیقت میں سورج اور جنت اور عرش عظیم ایک ہی چیز کے تین نام ہیں. اس لیے حقیقت میں سورج جنت اور عرش عظیم ایک ہی چیز کے تین نام ہیں, یہ تینوں ہی ایک چیز ہے. دن قیامت کے نیلا آسمان پھٹ جائے, قیامت کے دن نیلا آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ آسمان آ جائے گا. سرخ آسمان ساری زمین کو گھیرے میں لے لے گا. سرخ آسمان, یہ سرخ آسمان سورج ہوگا, یہ سرخ آسمان جنت ہوگا, یہ سرخ آسمان عرش ہوگا. قیامت کے دن سورج سرخ ہوگا, قیامت کے دن جنت سرخ ہوگا, قیامت کے دن عرش عظیم سرخ ہوگا. قیامت کے دن عرش عظیم کے کناروں پر فرشتگان خدا اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے دکھائی دیں. قیامت کے دن فرشتگان خدا اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے آسمان کے کناروں پر دکھائی دیں. اگر قیامت کے دن نیلا آسمان ہوگا تو سرخ آسمان نظر نہیں آئے گا. اگر قیامت کے دن نیلا آسمان ہوگا تو سرخ آسمان نظر نہیں آئے گا. قیامت کے دن سرخ آسمان کے ہوتے ہوئے سرخ سورج نظر نہیں آئے گا. قیامت کے دن سرخ آسمان کے ہوتے ہوئے سرخ آسمان کے نیلا آسمان سرخ آسمان کے ہوتے ہوئے سرخ سورج نظر نہیں آئے گا. تو سرخی میں سے سرخی کیا دے چن سکتا ہے؟ سرخ سورج نظر نہیں آئے گا, یہ پتا نہیں چل سکے گا یہ سرخ آسمان ہے یا سرخ سورج ہے. سورج قیامت کے دن سرخ ہوگا اور سورج ہی قیامت دن سارا آسمان نظر آئے گا. قیامت کے دن سارا آسمان مانت تیل کے سرخ ہوگا. قیامت کے دن تیل کے آسمان پہ سرخ آسمان ترچھک تیل کے مانت ہوگا. قیامت کے دن سورج قیامت کے دن سارا آسمان نظر آئے گا اور قیامت کے دن سارا آسمان مانت ترچھک تیل کے سرخ ہوگا. قیامت کے دن سارا آسمان تری کی مانت سرخ ہوگا, یہ سورج ہوگا. اور پہاڑوں کے گرد و غبار بھی قیامت کے دن سرخ اون دھنی ہوئی کی مانت نظر آئیں گے. قیامت کے دن پہاڑوں کے ذرات جو اڑتے ہوں گے وہ بھی سرخ اون دھنی کی مانت نظر آئے, سرخ مانت کے نظر آئیں گے. زمین سرخ نظر آئے گی, ہر چیز سرخ نظر آئے گی. فیومئذن واقعتن واقعتن بن شکت سماؤ پہیا یوم ایزن واہیا الملک و راہ جائیا و یامل و شرب کا فوقم یوم ایزن سمانیا. یہ بڑا آئیے تو بات فیوم ایزن واقعات الواقعات, اس دن ہونے والی ہو پڑی. بس اس روز قیامت آ ہی جائے گی. یوم آئے دن واقع تر واقعات ہو یہ چیز ہونی وہ آ جائے گی. پس پہ اس روز قیامت آ ہی جائے گی. ون شکت سماؤ پہ یا یوم آئے دن واہیا, وہ آسمان پھٹ جائے گا, وہ اس دن بہت سست ہوگا, بہت سست واہیا وہ سست ہوگا. اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے, اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اٹھانے گے عرش پروردگار تیرے گا. اس دن آٹھ تشریح ہے. قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے. کون سا آسمان؟ نیلا آسمان پھٹ. قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا, قیامت کے دن نیلا آسمان پھٹ جائے گا. اس کا پھٹنا بہت سست ہوگا, اس کا پھٹنا بہت سست ہوگا. قیامت کے دن نیلا آسمان ایک بدلی کی وجہ سے پھٹ جائے گا. اس نیلے آسمان کی جگہ پر سرخ آسمان آ جائے گا. قیامت کے دن نیلا آسمان ایک بدلی کی وجہ سے پھٹ جائے گا. اس نیلے آسمان کی جگہ پر سرخ آسمان آ جائے گا. وہ بدلی سرخ رنگ کی ہوگی, وہ بدلی سرخ رنگ کی سورج ہوگی, گیسوں کا مجموعہ ہوگی. گیسوں کا مجموعہ ہے سورج, گیسوں کا مجموعہ ہے سورج ہوگی. نیلا آسمان آہستہ آہستہ پھٹتا جائے گا, جیسے کمار لپیٹا جاتا ہے زخموں کا,
सैया से डरने में कुटो नीला आसमान ऐसा ऐसा फटा जाएगा इसका फटना बहुत खुश होगा। नीले आसमान की जगह पर सुर्ख आसमान आ जाएगा, वो आसमान ऐसा ऐसा सुर्ख होता जाएगा, वो आसमान ऐसा ऐसा सुर्ख होता एक तरफ आएगा तो आसमान ऐसा ऐसा सुर्ख ऐसा ऐसा सुर्ख होता जाएगा, फैल जाएगा ऐसा ऐसा होगा। वो क्या होगा इसका फटना बहुत सुर होगा, नीले आसमान की जगह पर सुर्ख आसमान आ जाएगा, वो आसमान ऐसा ऐसा सुर्ख होता जाएगा और नीला आसमान ऐसा ऐसा फटता जाएगा और ऐसा ऐसा फट जाएगा जहां तक सारा आसमान सुर्ख हो जाएगा, जहां तक सारा आसमान सुर्ख हो जाएगा। सुर्ख आसमान के किनारों पर फिसलने खड़ा हुए सुर्ख आसमान के, नीले आसमान के नहीं, सुर्ख आसमान के किनारों पर क्यामत के दिन आंधी सुर्ख आसमान के किनारों पर फिसलने खड़ा हुए अपने परवरदिगार की हम के साथ तस्वीर करते हुए नजर आएंगे। ये सुर्ख आसमान सूर्य क्यामत के दिन तो देखेगा, क्यामत के दिन तू देखेगा, सरकार द्वारा क्यामत के दिन तू देखेगा फरिश्तों को घेरे होंगे अर्श को चारों तरफ से और तस्बी बयान करते होंगे साथ हम के फरिश्तगान खुदा अर्श के किनारों पर होंगे, फरिश्तगान खुदा अर्श के किनारों पर होंगे, फरिश्तगान खुदा अर्श के किनारों पर होंगे और तस्बी बयान करते होंगे साथ हम के इस दिन क्यामत के दिन अर्श पर परवरदिगार देगा अपने ऊपर हर शख्स उठाएंगे। क्यामत के दिन देखेगा फरिश्तों को उठाए हुए होंगे अर्श को कदम उनका और जो कोई गिरद उसके है जो कोई यद उसके है फरिश्ते उसके फरिश्ते भी होंगे और उसके इर्द गिर्द फरिश्ते भी होंगे और अंबिया अलैहिस्सलाम भी होंगे, अरवाए सालीन होंगे, अरवाए अंबिया अलैहिस्सलाम होंगे उसके 50,000 साल की मुद्दत में। हाँ जी जी हाँ जी हाँ जब फरिश्ते सही जी सही वो पहले एक मैं आजाद छा गया पहले सारा शायर बेहजाब वाक्य तस्बीह बयान करते हुए साथ हम के इनकी आवाज सुनाई देगी, इनकी आवाज सुनाई देगी, नमाज पढ़ती है दिखाई देगी। क्यामत के दिन फरिश्तगान खुदा सुर्ख आसमान के किनारों पर होंगे, क्यामत के दिन फरिश्तगान खुदा अर्श अज़ीम के किनारों पर होंगे, फरिश्तगान खुदा अर्श को चारों तरफ से घेर जन्नत के किनारों पर भी होंगे। हाँ जी फरिश्तगान खुदा अर्श बैतुल मोमू के किनारों पर होंगे, ये भी कहते फरिश्तगान खुदा अर्श को चारों तरफ से घेरे हुए होंगे, क्यामत के दिन फरिश्तगान खुदा सूर्य के किनारों पर होंगे यानी सुर्ख आसमान के किनारों पर होंगे, फरिश्तगान खुदा जन्नत के किनारों पर होंगे, क्यामत के दिन फरिश्तगान खुदा बैतुल मामून के किनारों पर होंगे। इस दिन उनको आठ शख्स उठाएंगे। जब क्यामत के दिन सूर्य जमीन के नजदीक आएगा, जब क्यामत के दिन सूर्य जमीन के नजदीक आएगा, जब क्यामत के दिन अर्श अज़ीम जमीन के नजदीक आएगा, जब क्यामत के दिन जन्नत जमीन के नजदीक आएगा, जब क्यामत के दिन सुर्ख आसमान जमीन के नजदीक आएगा, सुर्ख आसमान जमीन के नजदीक आएगा तो क्या होगा। इस दिन क्यामत आ जाएगी, क्यामत पर जमीन पर क्यामत आ जाएगी, जमीन बंजर मकाबले जराए की हो जाएगी, जमीन भुरभुरी रेत हो जाएगी, जमीन रेजा रेजा हो जाएगी, जमीन तोड़ फोड़ दी जाएगी, जमीन अपने नफ खजाने बाहर निकाल देगी, जमीन खाली हो जाएगी, जमीन गैर जमीन से बदल जाएगी, जमीन कैदखाना में तब्दील कर दी जाएगी, जमीन कैदखाना में तब्दील कर दी जाएगी, जमीन सिटीजीन में तब्दील कर दी जाएगी। क्यामत के दिन सुर्ख आसमान आयता जमीन के नजदीक आए, क्यामत के दिन सुर्ख आसमान जमीन के नजदीक आयता आयता आएगा, सुर्ख आसमान की वजह से नीला आसमान फट जाएगा, सुर्ख आसमान आयता आयता जमीन के नजदीक आएगा, जैसे जैसे ये जमीन के नजदीक आएगा तेज सुर्ख रंग की रोशनी हो जाएगी, तेज सुर्ख रंग की रोशनी हो जाएगी और जमीन को घेर लेगी, जिससे जमीन चमक जाए, जिससे जमीन चमक जाएगी, जमीन अल्लाह ताला के नूर से चमक जाएगी, ये नूर सूरज होगा, ये नूर जन्नत होगा, ये नूर अर्श होगा, ये नूर बैतुल मामून होगा, ये नूर सारा सुर्ख आसमान होगा, जमीन के किनारों तक फैला होगा। इस दिन अर्श पर सूरज पर जन्नत पर बैतुल मामून पर सुर्ख आसमान पर तमाम फरिश्ते खुदा सितारों की शक्ल में सफों की शक्ल में इबादत खुदा में मसरूफ होंगे, साधु पाक भी होगी, साधु पाक भी होगी, साथ खुदा पाक भी होगा, साथ खुदा पाक भी होगा, साथ भी खुदा पाक होगा, अल्लाह ताला ने साथ किसी नहीं छोड़ा,
छोड़ दिया जाएगा या सूरज के पास आने के लिए। सूरज ऊपर से भी जहाँ आसमान से सूरज आया है उसकी तरफ से भी दरवाजे खुल जाएंगे, रास्ता खुल जाएगा और जमीन की तरफ से सूरज के पास जाने के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। या चांद या सितारा अदारत या सियारा जोरा के जरिए सूरज के पास जाने के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। सूर्य की रोशनी मद्धम हो जाने के बाद इसमें सब सियारे जा सकते हैं। सूर्य की रोशनी मद्धम हो जाने के बाद सूर्य में सूर्य के नजदीक सब सियारे जा सकते हैं। आगे पहले तो करोड़ों मीलों का फासला था सूर्य के पास सियारों में, सियारा तारक छह करोड़ मील के दूर वाक्य है, सूर्य नजदीक नहीं जा सकता, फिर भी पिघला हुआ है, फिर भी पिघला हुआ है। अगर सूर्य की रोशनी मद्धम हो जाने के बाद इसमें सब सियारे जा सकते हैं और सब फरिश्ताने खुदा सूर्य के पास जा सकते हैं और अरवाहे पाकीज़ा सूर्य के पास जा सकते हैं, अरवाहे पाकीज़ा सूर्य के पास जा सकते हैं। सूर्य ही जन्नत है, सूर्य ही अर्श है, सूर्य ही बैतुल मामूर है, ये एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, पहले एक ही चीज है। लेकिन मुक्त की परहेज़गारों के लिए के लिए इसमें जाना बहुत आसान हो, इसमें जाना बहुत आसान होगा। सूर्य जिस वक्त के सूरज को लपेटा जावे और जिस वक्त के तारे गदले हो जाए, जिस वक्त के तारे गदले जा रहे तशरी यदि क्यामत के दिन सूरज को लपेटा जाएगा, ए लपेटा जाएगा, इन रोशनी मतम की जाएगी। और उसी वक्त तारे गदले हो जाएंगे, उसी वजह से लपेटा गया ना, उसी वक्त तारे गदले हो जाएंगे। इससे जाहिर होता है कि सूरज की रोशनी लपेटी जाएगी, इससे साबित होता है कि सूरज की रोशनी लपेटी जाएगी। सूरज की रोशनी लपेटी जाने की वजह से सितारे गदले हो जाएंगे, इस वजह से सितारे सूरज से रोशनी हासिल नहीं करते, इस वजह से कि सूरज सितारे सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, और अगर सूरज की रोशनी ना लपेटी जावे तो सितारे कभी गदले ना होंगे। हाँ तो जी सही दुरुस्त है। सूरज की रोशनी क्यामत के दिन किस चीज से लपेटी जाएगी? जी ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो सूर्य से बड़ी हो, जिससे सूर्य लपेटा जावे, जिस वक्त के सूर्य की रोशनी मद्धम कर दी जाए, जिस वक्त के ये दूसरा तर्जमा, जिस वक्त के सूर्य की रोशनी मद्धम कर दी जाए, क्यामत के दिन सूर्य की आग मद्धम कर दी जाएगी, बिल्कुल मद्धम कर दी जाए। जैसे शाम के वक्त सूरज दिखाई देता है, लेकिन इस दिन सूरज जरूर दिखाई देगा। क्यामत के दिन सूरज की आग मद्धम कर दी जाएगी, बिल्कुल मद्धम कर दी जाएगी, जैसे शाम के वक्त सूरज दिखाई देता है, लेकिन इस दिन सूर्य जरूर दिखाई देगा, सूर्य जरूर दिखाई देगा। सूर्य जमीन के नजदीक होने से बड़ा आसमान दिखाई देगा, सूरज जमीन के नजदीक होने से बड़ा आसमान दिखाई देगा। सूरज की वजह से सब सितारे छुप जाएंगे, सूरज की वजह से सब सितारे छुप जाएंगे, सब सितारे बेनूर हो जाएंगे, सब सितारे गदले हो जाएंगे, सब सितारे मिटाए जाएंगे, सब सितारे तितर बितर हो जाएंगे, कुछ सितारे गह जाएंगे, सब सितारे जमीन के नजदीक नजदीक आ जाएंगे, सब सितारे या सियारे जमीन के नजदीक नजदीक आ जाएंगे। लेकिन जमीन के ऊपर जो सूर्य की तरफ सिर्फ तीन सितारे दिखाई देंगे, सूर्य की तरफ जमीन से सूर्य की तरफ सिर्फ तीन सितारे दिखाई देंगे, ये सितारे पत्थर की मानद नजर आएंगे, ये सितारे पत्थर की मानद नजर आएंगे, गह जाएंगे। लेकिन एक सितारा अतारद होगा, एक सियारा जोहरा होगा, एक सियारा चांद होगा, लेकिन चांद सियारा जमीन के बिल्कुल नजदीक होगा, लेकिन चांद सियारा जमीन के बिल्कुल नजदीक होगा, इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल गह जाएगा। ये चांद
ये बिल्कुल कह जाएगा, क्योंकि ये सितारा सियारा चांद सूरज और जमीन के बिल्कुल सीध में होगा, इसलिए कह जाएगा अपनी रोशनी ना देगा, इन तीनों सियारों का साया जमीन पर पड़ेगा, चौथा साया किसी और सियारे का नहीं होगा। सूरज को कोई और सितारा ढांप नहीं सकता, अगर ढांप जाए तो साया नहीं हो सकता, अगर किसी ने ढांप लिया तो इसका साया कैसे होगा जमीन पर, कैसे होगा सितारा, सूर्य जाहिर होएगा तो साया होगा, इस मतलब है ढांप नहीं सकता, इस रोशनी मध्यम की जाएगी, सूरज को कोई और सितारा ढांप नहीं सकता, यानी सूरज की रोशनी को कोई और सितारा या सियारा ढांप नहीं सकता जिससे सूरज की रोशनी मध्यम हो जाए, जो सबसे बड़ा सितारा होगा वही सूरज को ढांप सकता है, वही सूरज की रोशनी को ढांप सकता है, वो भी सूरज और जमीन में सबसे बड़ा हो, लेकिन सूरज को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बनाया है कि इसमें 13 लाख जमीनें समा सकती हैं, 13 लाख से ज्यादा स्यारा अतारस समा सकते हैं, 13 लाख से ज्यादा स्यारा जोहरा समा सकते हैं, 13 लाख से ज्यादा चांद समा सकते हैं, सूरज को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बनाया है, सूरज की रोशनी को ढांपने के लिए कोई इससे बड़ा सूरज दरकार होगा, लेकिन जमीन पर 3 साये होंगे, चौथा साया किसी और सियारे का नहीं होगा, अगर सूरज को ढांपने के लिए कोई और सियारा लाया गया या कोई सितारा लाया गया तो कोई सूरज लाया गया या और कोई जन्नत लाई गई या और कोई जन्नत लाई गई या और कोई अर्श लाया गया या और कोई अर्श लाया गया या और कोई बैतुल मामूर लाया गया या और कोई कुर्सी लाई गई तो जमीन पर 4 साये हो जाएंगे। जमीन तस्दीक है ना, अल्लाह ताला ने एक नुक्ता रखता है, अगर वो भी मिटाया जाए तो कुछ नहीं रहता। तो बैतुल मामूर लाया गया या और कोई कुर्सी लाई गई, कुर्सी कुर्सी लाई गई तो जमीन पर 4 साये हो जाएंगे, 3 साये तो स्यारा अकारण स्यारा जोहरा स्यारा चांद का होगा, चौथा साया सूरज को ढांपने वाले का होगा, इसलिए जमीन पर 4 साये हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक जमीन पर सिर्फ 3 साये होंगे, क्या दिन सिर्फ 3 साये होंगे, ये साये सिर्फ सूर्य की वजह से होंगे, ये साये सिर्फ सूर्य की वजह से होंगे, लेकिन ये साये मध्यम होंगे, लेकिन ये साये मध्यम होंगे जो सूर्य की तपश से बचा नहीं सकेंगे, तपश से बचा नहीं सकेंगे, सूर्य की रोशनी कम हो जाएगी, सूर्य सुर्ख रंग का रोशनी हो जाएगी, सूर्य की सुर्ख रंग की रोशनी हो जाएगी, दहकते कोले की मंद रोशनी होगी, दहकते कोले की मंद रोशनी होगी, इससे मालूम हुआ सूर्य की तपश होगी लेकिन रोशनी कम होगी, और तपश भी कम होगी, तपश भी कम होगी, अगर सूर्य की रोशनी मध्यम ना हुई तो क्यामत के दिन सूर्य हर एक चीज को जलाकर राख कर देगा, अगर सूरज की रोशनी मध्यम ना हुई तो क्यामत के दिन सूरज हर एक चीज को जलाकर राख कर देगा, क्योंकि सूरज के नजदीक करोड़ों मीलों से भी कोई नहीं आ सकता। पहला सितारा जो सूरज के नजदीक है 4 से 5 करोड़ के मील के फासले पर है, वो भी पिघला हुआ है, उसका नाम अतारद है। क्यामत के दिन सूरज ने भी जमीन के नजदीक आना है, क्यामत के दिन सूरज ने भी जमीन के नजदीक आना है, अगर सूरज क्यामत के दिन जमीन के नजदीक ना आया तो जमीन पर क्यामत हरगिज ना आएगी, क्यामत हरगिज ना आएगी, क्यामत के दिन जब सूरज जमीन के नजदीक आया तो जमीन बंजर नाकाबिले ज़राअत की हो जाएगी, जमीन रेजा रेजा और भुभरी रेत हो जाएगी, जब क्यामत के दिन जन्नत मुत्तकियों के नजदीक कर दी गई, सूरज जब क्यामत के दिन जन्नत मुत्तकियों के नजदीक कर दिया, जन्नत तक बसेरा ही जन्नत तक क्या पड़ेगा, जब क्यामत के दिन जन्नत मुत्तकियों के नजदीक कर देगी तो जमीन पर सिर्फ 3 साये ही होंगे, तो जमीन पर सिर्फ 3 साये ही होंगे, देखो ना लफ्ज़ का, जब क्यामत के दिन जमीन नजदीक कर देगी मुत्तकियों के तो जमीन पर सिर्फ 3 साये ही होंगे, या सूर्य होगा या जन्नत होगी, जन्नत भी चमकीली हुई तो जमीन पर सिर्फ 3 साये ही होंगे, जब सूरज क्यामत के दिन मुत्तकियों के नजदीक कर दिया तो जमीन पर सिर्फ 3 साये ही होंगे, क्यामत के दिन जब अर्श जमीन के नजदीक कर दिया गया, अर्श भी जमीन के नजदीक कर दिया गया तो जमीन पर सिर्फ 3 साये ही होंगे, क्यामत के दिन जब कुर्सी जमीन के नजदीक कर देगी तो जमीन पर सिर्फ 3 साये ही होंगे,
قیامت کے دن جب بیت المعمور زمین کے نزدیک کر دیا گیا تو زمین پر صرف تین سائے ہی ہوں گے. اگر زمین کے نزدیک قیامت کے دن کوئی دوزخ لائی گئی, اگر قیامت کے دن زمین کے نزدیک کوئی دوزخ لائی گئی تو بھی زمین پر تین سائے ہی رہیں گے. ایک سایہ سیارہ تارت کا ہوگا, ایک سایہ سیارہ زہرہ کا ہوگا, ایک سایہ سیارہ چاند کا ہوگا. یہ تین سایہ زمین پر قیامت کو ہوں گے, یہ تین سایہ قیامت کو ہوں گے. چوتھا سایہ زمین پر کسی اور سیارے کا نہیں ہوگا, لیکن یہ سایہ سورج کی مدھم روشنی کے مدھم ہی ہوں گے. سورج روشنی کے مدھم ہی ہوں گے, لیکن اس دنیا میں سورج کی تیز روشنی کو کوئی سیارہ نظر ہی نہیں آ سکتا. لیکن اس دنیا میں سورج کی تیز روشنی میں کوئی سیارہ نظر ہی نہیں آ سکتا. دن کو کوئی سیارہ, سورج سیارہ نظر آیا سورج روشنی نہیں آ سکتا. اس دنیا میں زمین پر کسی سیارے کا سایہ پڑتا ہی دکھائی نہیں دیتا. ہاں, لیکن قیامت کے دن جب سورج ہوگا تو تین ستارے نظر آئیں گے, مدھم نظر آئیں گے, پتھر کی مانند نظر آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کیونکہ سورج کی روشنی مدھم ہوگی پھر نظر آئے. اگر چمکیلی ہوئی تو مدھم وہ کچھ نظر نہیں آئے گا, پھر ہر چیز چمکے گی. اگر سورج کی تیز روشنی میں کوئی ستارہ نظر ہی نہیں آتا ہے, اس دنیا میں زمین پر کسی سیارے کا سایہ پڑتا دکھائی نہیں دیتا ہے, اگر سورج زمین کے درمیان میں سورج کے علاوہ کوئی اور جنت بتریوں کے نزدیک کر دی گئی تو زمین پر چار سائے ہو جائیں گے. ایک سایہ جنت کا بھی شامل ہو جائے گا, لیکن سورج کو ڈھانپنے کے لیے بہت بڑی جنت درکار ہوگی جو سورج سے بڑی ہوگی اور ہر طرف رات ہو جائے گی. اگر اور ہر طرف رات ہو جائے گی, لیکن بڑی ہوگی رات ہی ہوگی, کیوں کہ سایہ زمین پر پڑتا ہی, کیونکہ جنت بڑی ہوگی تو جھانپے گی نا سورج کو. رات زمین پر رات ہو جائے گی, ہر طرف رات ہو جائے گی کیونکہ سورج سے بڑی ہوگی. تو جو سورج سے بڑی ہوگی تو ہر طرف رات ہو جائے گی, لیکن زمین پر قیامت کا دن ہوگا. لیکن زمین پر قیامت کا دن ہوگا, کیوں ہوگا؟ جنت کی وجہ سے دن ہوگا, دن ہوگا. زمین پر سورج کی وجہ سے صرف تین سائے ہوں گے, چوتھا سایہ زمین پر کسی اور سیارے کا نہیں ہوگا, اور سورج کے پاس سے گزر کر کوئی اور سیارہ سورج اور زمین کے درمیان میں نہیں آ سکتا, کیونکہ سورج بہت بڑا ہے. سورج بہت بڑا ہے, سورج کے پاس سے کوئی اور سیارہ گزر ہی نہیں سکتا. اگر کوئی سیارہ سورج کے پاس سے گزر بھی گیا تو یہ سیارہ سورج زمین کے درمیان میں نہیں آ سکتا, اگر آئے گا تو کہیں اور جائے گا, درمیان میں نہیں آ سکتا. اس سے معلوم ہوا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کو مدھم کر دے گا, اتنی مدھم کر دے گا جتنی اس دنیا میں شام کے وقت تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے. مدھم روشنی سے سورج کی روشنی سرخ روشنی ہو جائے گی, مدھم روشنی سے سورج کی روشنی چمکیلی سے مدھم ہو جائے گی, سرخ روشنی ہو جائے گی. جب مدھم روشنی سرخ رنگ کی ہو جاتی ہے, لائٹیں نکل دیا سیکھ نہیں ہوتا, مدھم ہو جائے گی, سرخ ہو جائے گی. اس دن اللہ تعالیٰ سورج کو زمین کے نزدیک آنے کا حکم دے گا, مدھم روشنی ہوتے ہوئے پھر حکم دے گا زمین کے آنے کا حکم دے گا. جیسے جیسے یہ سورج زمین کے نزدیک آتا جائے گا, بڑا معلوم ہوتا جائے گا. جب سورج تقریباً پہلے آسمان کی جگہ پر آ گیا, جب سورج زمین کے پہلے آسمان کی جگہ پر آ گیا تو اتنا بڑا ہو جائے گا جیسے سارا سرخ آسمان ہوتا ہے, جیسے سارا سرخ آسمان ہوتا ہے. سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. جب سورج زمین کے نزدیک آئے گا تو بہت بڑا آسمان ہو جائے گا, اس کا رنگ سرخ ہوگا. اس دن سرخ آسمان آہستہ آہستہ زمین کی طرف آئے گا. واہیہ, اس دن سرخ آسمان زمین کی طرف آہستہ آہستہ آئے گا اور نیلا آسمان آہستہ آہستہ ٹل جائے گا. نیلے آسمان کی جگہ سرخ آسمان آ جائے گا. قیامت کے دن سیارہ عطارد, سیارہ زہرہ, سیارہ چاند زمین کے بالکل نزدیک آ جائیں گے, نزدیک وہ تو چھوٹے سے ہیں آ جائیں گے, لیکن سورج کے نیچے ہوں گے. سورج کے نیچے ہوں گے. جیسے جیسے سورج زمین کے نزدیک آئے گا, یہ تین سیارے بھی آہستہ آہستہ زمین کے نزدیک آئیں گے اور بڑے بڑے دکھائی دیں گے, لیکن سورج سے نیچے ہوں گے. اتنے بڑے دکھائی دیں گے جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. یہ سب پتھر کی مانند نظر آئیں گے,
सब गह जाएंगे, पत्थर की मांग नजर आएंगे, इनकी आंखें पथरा जाएंगी, लोगों की आंखें पथरा जाएंगी, यही है पत्थर की आंखें, पत्थर की मानद नजर आएंगे। ये सियारे जमीन के नजदीक आने से जमीन पर तीन साये हो जाएंगे, ये जमीन पर तीन शाखा साया होगा, इन तीन सियारों के दरमियान से सूर्य की सुर्ख रंग की रोशनी आज दर्द ऊंटों की कतारों जैसी लाइट निकलती होगी, इन तीन शाखा साया के दरमियान से जगह खाली होगी ना, चांद जोहरा अतारद, चांद इधर जोहरा इधर अतारद है, मतलब दरमियान में चांद होगा। क्यामत के ये तीन शाखा साया दोषियों को आग से ना बचा सकेगा, उसके दरमियान से लाइट सूरज की मध्यम रोशनी होगी, मध्यम क्यों रोशनी होगी, अगर सूर्य मध्यम होगी मतलब सूर्य चमकता तो है ना, उसकी मध्यम लाइट होगी, बड़ी तेज लाइट होगी, लेकिन हमारे लिए दुनिया के लिए बड़ी तेज लाइट होगी, उसमें रोशनी निकलती होगी, लाइट निकलती होगी, रोशनी सुर्ख रंग की रोशनी निकलती होगी, सुर्ख रंग के शरारे निकलते होंगे, इस तरह जिस तरह पहाड़ ऊंटों की तरफ कतार की तरह आ रहा, तीन शाखा साया दोषियों को आग से ना बचा सकेगा, और ना तीन शाखा साया साया देगा, ना साया देगा, अच्छा साया नहीं देगा, और ना दोषियों को आग से बचा सकेगा, बल्कि साया भी होगा लेकिन साया किसी काम का ना होगा, साया किसी काम का ना होगा। ये क्यामत का दिन रोशनी का दिन नहीं है, ये क्यामत का दिन रोशनी का दिन नहीं है बल्कि अंधेरे का दिन है, जैसे शाम के वक्त थोड़ी सी रोशनी होती है लेकिन सूर्य की रोशनी सुर्ख होगी, तपश वाली होगी, जैसे कोयला सुर्ख होता है, सूर्य इस मकाम पर होगा जिस वक्त दोपहर होती है, होते हुए होते ही दोपहर होती है, लेकिन मुत्तकी और परहेजगार और अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन अलैहिस्सलाम, सालीन अलैहिस्सलाम, शहदा अलैहिस्सलाम, फरमानबरदार अलैहिस्सलाम क्यामत के दिन की दोपहर अमर से काटेंगे, क्यामत की दोपहर अमर से काटेंगे, और क्यामत का दिन 50,000 साल का होगा, क्यामत का दिन इसी 50,000 साल ये अमर से काटेंगे, दोपहर अमर से काटेंगे, इस दोपहर जो है ना ये अमर से काटेंगे, इसका मतलब है ये जमीन पर नहीं होंगे, जमीन पर नहीं, जमीन पर अमर से काटेंगे, अमर के मुकाम पर होंगे, अमर के मुकाम पर होंगे, क्योंकि और जब तक क्यामत का दिन रहेगा दोपहर का दिन रहेगा, अच्छा जी, जब तक क्यामत का दिन रहेगा दोपहर का दिन रहेगा, सब सितारों और सब सियारों की गर्दिश बंद कर दी जाएगी, सब सितारों और सब सियारों की गर्दिश बंद कर, गर्दिशें बंद कर दी जाएंगी, लेकिन ये सब मुत्तकी और परहेजगार अमन के मुकाम में होंगे, सही, और वो अमन का मुकाम चांद होगा, अच्छा वो अमन का मुकाम चांद होगा, जो इन सबको सूर्य की गर्मी से बचाएगा, इस दिन ना ये जमीन की कोई तोड़फोड़ सुनेंगे, ना जमीन का कोई खटका सुनेंगे, ना पहाड़ों की तोड़फोड़ सुनेंगे, इस दिन ना सुनेंगे हसी सहा है, तोड़ फोड़ सुनेंगे नहीं, इनको महसूस नहीं होगी, जो जमीन पर जल्दला जब क्यामत आएगी, जमीन तोड़ अपने खजाने बाहर निकालेगी, जमीन की तोड़ फोड़ इनका कोई खटका ना डर सुनेंगे नहीं, इस मुकाम पर अमन में होंगे, इनको अमान होगा, इनको नहीं सुनेंगे, सही, ये सूर्य की गर्मी से बचाएगा, इस दिन की बुराई से बचाएगा, इस दिन की बुराई से बचाएगा इन लोगों को, इस दिन की बुराई क्या है, वो आग, वो तोड़ फोड़, वो सब तखलत, वो आलिना तनबिया व हुक्कत है, वो ऐजा जुलजिल तरज जुलजा रहा, वखरज तलर्ज असका रहा, वकाल इंसान मा रहा, जाओ मैं दिन तहद से अखबार रहा, इस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान, मैं वो भी तुम सुनाऊंगा, सब अपनी खबरें बयान करेगी कि मैं क्या चीज हूं, इस दिन की बुराई से बचाए, चांद इनको इस दिन की बुराई से बचाएगा, इसमें ना इनको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना धूप लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ये वहां हर चीज मंगा लेंगे जिसकी ये ख्वाहिश करेंगे, हर चीज मंगा लेंगे जिसकी ये ख्वाहिश करेंगे, अल्लाह ताला क्यामत के दिन इन सब पर अपना खैमा तान देगा, ये अंजील है तेरा, मेरा नहीं, जी जी अंजील मुकद्दस है, अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला क्यामत के दिन इन सब पर अपना खैमा तान देगा, वो खैमा क्या होगा, चांद होगा, ये चांद उनको इस तरह उठाएगा जिस तरह पानी को मजर जजर के उठाता है, अच्छा, अच्छा, अच्छा,
जन्नती खुद ब खुद उड़ के चांद पे चल जाए। जिस तरह चांद पानी को खींचता है, समुद्र के पानी को खींचता है, इसी तरह ये चांद ईमानदारों को खींचेगा अपनी तरफ, जब खुद आकर ले जाएगा, ठीक दान देगा और सबको पर लवाल हंद रख देगा। चांद क्या है? लवाल हंद रख। हाँ, ये चांद लवाल हंद है। मुकामे महमूद में, लवाल हंद में अल्लाह ताला मेहमानी करेगा इनकी, चांद में मेहमानी करे। पहली मेहमानी अंबिया अलैहिस्सलाम की, सालीन अलैहिस्सलाम की चांद में होगी, जमीन पर मेहमानी नहीं होगी। जमीन पर तो मेहमानी दोस्तियों की होगी, वहां उनको थोर का दरख्त दिया जाएगा और गर्म पानी पिलाया जाएगा। ये दोस्ती की मेहमानी पहले दिन जमीन पर होगी, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम सालीन की मेहमानी पहले दिन मुकाम अहमद में होगी और मुकाम चांद में होगी और इस खेमे में होगी, लवाल हमद में होगी, मुकाम महमूद लवाल हमद ओदे च होगी। लवाल हमद मुकामे महमूद का लवाल हमद है, सूरी का लवाल हमद है। अच्छा, और इन सब पर लवाल हमद रख देगा और इस दिन ये सब रहमान की मेहमानी में हुए। विच है नहीं याद करा दी, इस ये सब रहमान की मेहमानी में होंगे। इन सब की सबसे पहले लवाल हमद में मेहमानी होगी, ये लवाल हम चांद होगा। क्यामत के दिन अल्लाह ताला लवाल हमद इन सब पर तान देगा, मतलब सूरी तो तान देगा, सूरी के थले होंगे, चांद के थले होंगे, उत्ते सूरी होगा, चांद के थले ये सारे लवाल हमद थले होंगे। लवाल हमद इन सबको आ गए आबे हयात के चश्मों पर ले जाएगा, थोड़ा दर्श कर लवाल हमद इन सबको आबे हयात के चश्मों पर ले जाएगा, आबे हयात के चश्मों पर ले जाएगा, जहां आबे हयात है। आबे हयात कहां है? सूरज में है आबे हयात। ये जरिए जानगे सारे है। लवाल हमद इन सबको आबे हयात के चश्मों पर ले जाएगा, जन्नत में पहुंचाएगा। क्यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत को मुत्तकियों के नजदीक कर देगा। क्यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत को मुत्तकियों के नजदीक कर देगा। क्यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत और मावा को हुक्म देगा कि मुत्तकियों के करीब हो जा। जन्नत बहुत बड़ी है, जन्नत मुल्कन कबीरा है, यह आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब आएगा। जैसे जैसे ये जन्नत जमीन के करीब आएगी, सिदरतुल मुंतहा जो जन्नत से बिल्कुल करीब है, सिदरतुल मुंतहा जन्नत के करीब है, इंदहा जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा जो जन्नत से बिल्कुल करीब है, ये भी जन्नत से आगे आगे जमीन के करीब आएगी। अच्छा, ये भी जमीन के करीब आएगी, ये भी ऐसा ऐसा जमीन के करीब आएगी। जैसे जैसे ये जमीन के करीब आएगी, बड़ी मलूम होती जाएगी। ये सिदरतुल मुंतहा जबरील अलैहिस्सलाम का मुकाम है, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्तगान खुदा के साथ, तमाम फरिश्तगान खुदा के साथ भी सिदरतुल मुंतहा के साथ होंगे। तमाम जबरील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्तगान खुदा सिदरतुल मुंतहा के साथ होंगे और जमीन की तरफ आएंगे। जन्नतुल मावा पहले आसमान के मुकाम पर होगा, जन्नतुल मावा सूरज पहले मुकाम आसमान के मुकाम पर होगा, जहां आप सूरज है जो चांद है, पहले पहले जन्नतुल मावा पहले आसमान के मुकाम पर होगा और सिदरतुल मुंतहा पहले आसमान से भी नीचे जमीन के करीब होगा। लेकिन जन्नत पहले आसमान के मुकाम पर आकर जमीन के लिए पहला आसमान बन जाएगी। जन्नत बहुत बड़ी है, जब ये जमीन के करीब आई तो जमीन के लिए पूरा आसमान बन जाएगी। लेकिन ये आसमान सुर्ख होगा, लेकिन ये जन्नत सुर्ख होगी, ये आसमान सुर्ख होगा, ये जन्नत सुर्ख होगी। क्यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श ने भी जमीन के नजदीक आना है। क्यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श ने भी जमीन के नजदीक आना है, क्योंकि इसके चारों तरफ फरिश्ते होंगे तस्वीर तकदीस करते आना। क्यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श ने भी जमीन के नजदीक आना है। अर्श अज़ीम बहुत बड़ा है ना, जो अर्श अज़ीम है, अर्श अज़ीम बहुत बड़ा है। क्यामत के दिन अर्श आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नजदीक आएगा। जैसे जैसे ये जमीन के करीब आएगा, बहुत बड़ा होता जाएगा। जब ये अर्श जमीन के बिल्कुल करीब आ गया तो जमीन के लिए पहला आसमान बन जाएगा, सारी जमीन को घेर लेगा, साथ फरिश्तगान खुदा और रूह पाक भी होगी और खुदा पाक भी साथ ही होगा।
और खुदा पाक भी साथ होगा, रूह पाक भी होगी और खुदा पाक भी होगा। ये सब अर्श के नीचे सफों की शक्ल में हम्द के साथ तस्बीह तकबीर करते हुए सुर्ख जन्नत पर दिखाई देंगे, और ये सब नमाज पढ़ती हुई दिखाई देंगे, वाजे तौर पर दिखाई देंगे, सुर्ख अर्श पर दिखाई देंगे, सुर्ख सूरज पर दिखाई देंगे, सुर्ख बैतुल मामूर पर दिखाई देंगे, सुर्ख जन्नत पर दिखाई देंगे, सुर्ख मस्जिद अक्सा पर दिखाई देंगे, सुर्ख आसमान पर दिखाई देंगे। लेकिन जमीन अल्लाह ताला के नूर से चमक जाएगी, लेकिन जमीन अल्लाह ताला के नूर से चमक जाएगी, सूरज से चमक जाएगी, जन्नतुल मावा से चमक जाएगी, अर्श अज़ीम से चमक जाएगी, बैतुल मामूर से चमक जाएगी, मस्जिद अक्सा से चमक जाएगी, रोशन हो जाएगी। जमीन का रंग, जमीन का रंग तांबे की मानद सुर्ख होगा, जमीन का रंग भी तांबे की मानद सुर्ख हो जाएगा। अगर सूरज का रंग सुर्ख है, आसमान का रंग, हर चीज का रंग सुर्ख है, तो जमीन का रंग सुर्ख क्यों ना होगा? जैसी रोशनी होगी वैसी जमीन हो जाएगी। क़यामत के दिन जमीन सूरज की वजह से बंजर नाकाबिल ज़राअत भुरभुरी रेत चटिल मैदान हो जाएगी। क़यामत के दिन जमीन तोड़ तोड़ कर रेजा रेजा कर दी जाएगी। क़यामत के दिन जमीन तोड़ तोड़ कर रेजा रेजा कर दी जाएगी। क़यामत को जमीन लंबी कर दी जाएगी, मुद्दत कर दी जाएगी। क़यामत को जमीन दराज कर दी जाएगी। क़यामत को जमीन अपने सब खजाने बाहर निकाल देगी। क़यामत को जमीन खाली हो जाएगी, जिन्होंने अल्लाह ताला तखल्लुक कह दिया खाली हो जाएगी, मतलब कोई शायर नहीं सवाए उसकी दीवार को, अल्लाह ताला खाली कह देवे, अल्लाह ताला हुक्मी तखल्लुक वो खाली हो जाएगी, आपने अपने दफीने बाहर निकाल देगी। क्यामत को जमीन अपने सब दफीने बाहर निकाल देगी। क्यामत के दिन जमीन पर से सब पहाड़ उठा लिए जाएंगे, सब पहाड़ ऊन धुनी हुई की मानद सुर्ख होंगे, ऊन सुर्ख धुनी हुई ऊन सुर्ख की मानद होंगे, और क्योंकि सूरज की लाइट ही सुर्ख होगी तो पहाड़ भी सुर्ख ऊन धुनी की मानद होंगे। क्यामत को जमीन चटियल मैदान हो जाएगी, इस पर ना कोई टीला और ना कोई उजान रहेगी। क्यामत के दिन जमीन पर से खाना काबा उठा लिया जाएगा, जमीन अंदर से खोखली हो जाएगी, जमीन में सिर्फ पहाड़ों की मेखे रह जाएंगी जो बवजह सुकूनों की होंगी। तो क्या जो जमीन दोजख है उसमें है नहीं मेरे उसके सुतून, और वो भी मैं तो दस लिया जब यह सूरत तो मैं गया ही कौन है अपना अगले दिन पढ़ लगे वो भी अपना सूरजलदार सारी सूरत ऐसे मुतलक है। हाँ ऐसे ऐसे मुतलक है सतूनों के मुतलक। हाँ जी हाँ जी सुतूनों को मुतलक है, जमीन से सुतून रह जाएंगे, लेकिन और किसी सारे सुतून है ही नहीं, पहाड़ ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने यह दस ना जमीन से सुतून पहाड़ से मुकर करते ताकि जमीन हिलने ना पाए। यह मतलब अल्लाह ने पहले मुकर करते अदलते मुकर की हुई है। जमीन में से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, पत्थर का कोयला, रेत, पानी, मिट्टी, गंधक सब निकल जाएंगे, जमीन बिल्कुल खाली हो जाएगी, जमीन के ऊपर सब ये चीजें आ जाएंगी और जमीन से मोटी हो जाएगी, जमीन इससे और दराज हो जाएगी। जो क्यामत के दिन जमीन पर सब चीजें जलने लगेगी जमीन के ऊपर, और इस वजह से सारी जमीन अल्लाह ताला के हुक्म से रोशन हो जाएगी, इससे रोशन होगी जमीन। क्यामत के दिन जर्द रंग की होगी जमीन की रोशनी, जर्द रंग की होगी गैस की रोशनी, जर्द रंग की होगी पेट्रोल की रोशनी, जर्द रंग की होगी गंधक की रोशनी, जर्द रंग की होगी जमीन की, तांबे की मान जर्द होगी जमीन की रोशनी, जर्द ऊंटों की कतारों की तरह जर्द होगी, सूरज की रोशनी भी जर्द होगी, जमीन पर आग ही आग होगी, जमीन की रोशनी भी जर्द होगी, सूरज की रोशनी भी जर्द होगी, सुर्ख होगी। सुर्ख आसमान पर जो स्यारा तारक, स्यारा जोहरा, स्यारा चांद होंगे, पत्थर की मानद नजर आएंगे, इन पर नीचे से सूरज की रोशनी न पहुंची होगी। काफर मुशरकों मुनाफिकों बदकारों गुनाहगारों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्यामत का दिन देखकर इनकी आंखें पथरा जाएंगी, क्यामत का दिन देखकर इनकी आंखें पथरा जाएंगी, वो यही वजह कि इनको तीन सारे पत्थर की मानद नजर आएंगे। क्यामत के दिन जमीन गैर जमीन से बदल जाएगी, ये जमीन ना होगी क्यामत के दिन। क्यामत के दिन जमीन दोजख में तब्दील कर दी जाएगी, क्यामत के दिन जमीन कैदखाना में तब्दील कर दी जाएगी, क्यामत के दिन जमीन सिज्जीन में तब्दील कर दी जाएगी। इसका अमाल नामा सिज्जीन में है, तुम कह जाओ सिज्जीन क्या है? सिज्जीन ना मैं कह खाना सिजने, ओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिजन च कैद थी, वो सिज्जीन है, कैदियों का मुकाम,
सिजन सिजीन में तब्दील कर दी जाएगी, दोजक अंदर से खोखली होगी, दोजक अंदर से खोखली होगी ना, दोजक का मकान होगा तो खोखला होगा तो दोजक होगी जहाज होंगे इनके लिए अपने तख्तों पर बैठ कर जाएंगे इनके लिए ये सितारे ये सियारे ये जहाज होंगे समझो चारा तारक चारा दोहरा चारा चांद चारा मरीख चारा मुस्ती दोहल नेपटून यूरनस प्लूटो ये सब इसमें जो चांद है सब ये जहाज ही होंगे जो मुत्तकी चाहेगा इन पर बैठकर सूर्य की सैर करेगा सूर्य से आगे ऊपर भी सैर करेगा इन सब के लिए खुले होंगे सूर्य में जहां चाहेंगे जा सकेंगे आसमान में जहां चाहेंगे जा सकेंगे लेकिन बदकार गुनागार लालच का मुशरक काफर इनके लिए आसमान के दरवाजे बंद होंगे ना इसमें इनकी रूह निजस रूह जा सकती है ना नापाक जिस्म जा सकता है सिर्फ आसमान के दरवाजे इन सब पर बंद होंगे नीले आसमान के दरवाजे भी इन सब पर बंद होंगे इनको कोई भी सियारा आसमान पर नहीं पहुंचा सकता ना सिर्फ आसमान पहुंचा सकता है ना नीला आसमान बदकारों को इन सब पर दुनिया में भी नीले आसमान के दरवाजे बंद होंगे और क्यामत के सिर्फ आसमान के इन पर सब दरवाजे बंद लेकिन मुक्ति पहलगार बनिए इस दुनिया में भी आसमान के दरवाजे खुले पहलगारों की रूह के लिए रूह पाक के लिए इस दुनिया में भी आसमान के दरवाजे खुले होंगे और क्यामत के दिन भी सिर्फ आसमान के दरवाजे खुले हुए इन सबको चांद सियारा बोरा सियारा तारक जिन्नत में पहुंचाएगा सूरज में पहुंचाएगा अर्श में पहुंचाएगा बैतुल माबूद में पहुंचाएगा ये सब फरिश्ता ने खुदा के साथ मिलकर अल्लाह ताला की तस्बीह तकदीस कर जब तक जमीन और आसमान है इसी में रहेंगे जब तक जमीन और आसमान है इसी में रहेंगे जब तक सिर्फ आसमान है और जमीन है अब इसी सूरज में रहेंगे जब तक सूरज और जमीन है इसी में रहेंगे जब तक जन्नत और दोजख है सूरज में रहेंगे जब तक जमीन और आसमान है सूरज में रहेंगे लेकिन गुनाहगार बदकार जब तक जमीन और आसमान है दोजख में रहेंगे जब तक आसमान है दोजख है दोजख में रहेंगे सूरज जन्नत है जमीन दोजख सूरज में आठ दरवाजे होंगे जन्नत में आठ दरवाजे होंगे अर्शदीन में आठ दरवाजे होंगे आसमान में आठ दरवाजे होंगे बैतुल मामूर में आठ दरवाजे होंगे ये दरवाजे बहुत बड़े बड़े होंगे जिसमें से मुकम्मल सियारा भी गुजर सकता है इधर संभाव हो रहे जब बहुत काम नहीं होंगे सिर्फ तीन सितारे कह जाएंगे चांद तो बिल्कुल कह जाएगा ना क्यामत के दिन को सिर्फ तीन से
सितारे कह जाएंगे, ये तीन सितारे ही क्यामत के दिन को नजर आएंगे, ये पत्थर की मानो नजर आएंगे। इन तीनों में सिर्फ चार सितारा जमीन के बिल्कुल करीब होने की वजह से, बिल्कुल जमीन के करीब होने की वजह से मुकम्मल तौर पर कह जाएगा। दूसरे सितारों पर तो थोड़ी रोशनी पड़ती होगी ना, सूर्य आम की रोशनी सितारा दोहरा पर पड़ेगी, दोहरा सितारा की रोशनी सितारा आधार पर पड़ेगी, कुछ बहुत ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन चांद बिल्कुल मदद नजर आएगा, कह जाएगा वजह से मुकम्मल तौर पर कह जाएगा, क्योंकि इस पर सूर्य की सुर्ख रोशनी नीचे से बिल्कुल नहीं पहुंची, नीचे से जमीन के नीचे से नहीं पहुंचेगी, थोड़ी सी रोशनी जमीन से मुनाकास होकर चांद पर पहुंचेगी, इस वजह से चांद सारा पत्थर की मानो नजर आएगा। सूरत अर-रहमान भी 37 नंबर आ जाता है, फैजन शक्त समाओ फकान बर्दत अंदर देखा, फायदा शक्त समाओ फकान बर्दत अंदर देखा, रजमैदा पास जिस वक्त के फट जावे गा आसमान, पास हो जाएगा सुर्ख मान तरीके, पास जब जिस वक्त के फट जाएगा आसमान, पास हो जाएगा सुर्ख मान तरीके, तो सुर्ख हो जाएगा। फायदा शक्त समाओ, जिस दिन फट जाएगा समाओ आसमान, फकान पर हो जाएगा बर्दतन, बर्दतन पूरी नहीं कहते सुर्ख है, सुर्ख का कदे हान सुर्ख तरी की मानो, कदे हान सुर्ख तरी की मानो हो जाएगा, बर्दतन सुर्ख कदे हान सुर्ख तरी की मानो हो जाएगा। क्यामत के दिन आसमान फट जाएगा, क्यामत के दिन नीला आसमान फट जाएगा, और इसे तुमार की तरह लपेट लिया जाएगा, तुमार की तरह लपेट लिया जाएगा, जिसको नीले आसमान, नीले आसमान को क्यामत से दिन लपेट दिया जाएगा, और इसे तुमार की तरह लपेट दिया जाएगा, इसकी जगह पर सुर्ख आसमान आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, ये सुर्ख आसमान सूरज होगा। क्यामत के दिन चश्मे जदन में सूरज की रोशनी मुद्रम का की है, क्यामत के दिन चश्मे जदन में आप छमकने सूर्य की रोशनी मुद्रम कर दी जाएगी, जिस वजह से सूर्य की रोशनी सुर्ख रंग की हो जाएगी, इस वजह से सूर्य को जमीन के नजदीक होने का हुक्म दिया जाएगा, सूर्य सुर्ख आहिस्ता आहिस्ता आसमानों को क्रॉस करता हुआ जमीन के पास पहुंचेगा, सूर्य बहुत बड़ा होने की वजह से जमीन के लिए सुर्ख आसमान बन जाएगा, आसमान नीले पर आहिस्ता आहिस्ता सूर्य की सुर्ख रोशनी फैलती जाएगी, नीले आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता सूर्य की सुर्ख रोशनी फैलती जाएगी, और नीला आसमान कुमार की तरह लिपटता जाएगा, सुर्ख आसमान आहिस्ता आहिस्ता नीले आसमान पर फैलता जाएगा। जब सूर्य सब आसमानों को प्राप्त करके जमीन के पास पहुंचेगा, तो जमीन के लिए बहुत बड़ा सुर्ख आसमान बन जाएगा, सुर्ख आसमान बन जाएगा, नीला आसमान गायब हो जाएगा, सुर्ख आसमान आ जाएगा। क़यामत के दिन सिर्फ सूर्य ही जमीन के लिए सुर्ख आसमान होगा, और अब तक सुर्ख आसमान ही रहेगा, और अब तक सुर्ख आसमान रहेगा, अब तक सुर्ख सूरज रहेगा, और अब तक सुर्ख सूर्य की रोशनी मध्यम ही रहेगी, और शायद सुर्ख आसमान के अंदर जन्नत हो और बाहर रोशनी मध्यम हो, शायद सूर्य के अंदर 8 दरवाजे हो और सूर्य अंदर से खोखला हो, और सूर्य के अंदर जन्नत हो बाहर मध्यम रोशनी। सूरत अल फत्तार भी पहली नंबर आएगा, इधर समाओं फादर बैदर गवाह के बम तक ये करना बोला हूं एक अगर अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इधर समाओं फादर जिस वक्त के आसमान फट जाएगा, एक बार यूं बिल्कुल मतलब तो हमें सारा समझाता है, बिल्कुल सही है, ये सारियां उनकी तशरीह हैं, अल्लाह ताला ने कितनी है नहीं कहा वही कर दे, बिल्कुल सही है। जिस वक्त के आसमान फट जाएगा, जिस वक्त के तारे फट जाएंगे, बैदर गवाह के वो मुताकरा गवाह के किस तारे, जिसके तारे फट जाएंगे, क्यामत के दिन आसमान नीला फट जाएगा, उसमें से सुर्ख आसमान निकल आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख आसमान नीले आसमान पर फैलता जाएगा, सुर्ख आसमान आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आएगा। जो मैदन वाहिया आहिस्ता आहिस्ता आएगा, 50,000 साल लग जाएंगे उसको आते हुए, उस आसमान को जमीन तक आते हुए 50,000 साल लग जाएंगे,
ऐसा जो फरमाया भगवान जी का उस 50,000 साल फरिश्ते और ऊपर आसमान पर चढ़ जाएंगे, सूर्य की गर्मी मतलब गर्मी सर्दी बिल्कुल इनको नहीं लगेगी, ना कुछ खटका होगा, ना इसका खटका महसूस करेंगे, जमीन का कोई फोड़ भी महसूस ना करेंगे। आस्था सुर्ख आसमान नीले आसमान पर फैसला जाएगा, सुर्ख आसमान आहिस्ता अगर जमीन की तरफ आएगा, जब मुकम्मल तौर पर जमीन की तरफ आ गया तो ये जमीन के लिए मुकम्मल तौर पर सुर्ख आसमान बन जाएगा। ये हकीकत में सूर्य होगा, क्यामत के दिन जब सूर्य आसमानों को क्रॉस करके जमीन की तरफ आएगा तो इसकी रोशनी खत्म होगी, तो सियारे सूर्य के आस पास होंगे वो भी आसमान को क्रॉस करके जमीन की तरफ जमीन के नजदीक आ जाएंगे और बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे और पत्थर की मानव दिखाई देंगे। एक प्यारा तारा होगा, एक प्यारा घोड़ा होगा, एक प्यारा चांद होगा जो क्यामत के दिन झाड़ कर जमीन के नजदीक आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे। जमीन की तरफ जो सितारे झड़ जाएंगे यही सितारे आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे और पत्थर की मानव नजर आएंगे। इन तीन सियारों का साया जमीन पर पड़ेगा, क्यामत के दिन जब पूरी जमीन की तरफ आएगा तो सियारे भी जमीन की तरफ आएंगे। पहले आसमान पर है सारे काम कितने भागेंगे, उनको आना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा तो अल्लाह तला का खूब ही होगा। आधे पास कहे जा इतना बड़ी दुनिया में इतना बड़ा सूरज में कहां जाए, उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो सारे भी जमीन की तरफ आएंगे, क्यामत के दिन जो सूर्य जमीन की तरफ आएगा वो हकीकत में अल्लाह ताला का जन्नत होगा। क्यामत के दिन जन्नत जमीन के नजदीक आएगा, जन्नत के पास जो सिदरतुल मुंतहा है वो भी जन्नत के साथ जमीन के नजदीक आएगा। हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम तमाम फरिश्तों खुदा भी जन्नत के साथ जमीन के नजदीक आएंगे, जमीन के नजदीक नजदीक आ जाएंगे और सफों की शक्ल में सिर्फ आसमान पर इबादत खुदा करते हुए दिखाई देंगे। क्यामत के दिन जो जन्नत जमीन के करीब आएगा और हकीकत में अर्श होगा, अर्श क्यामत के दिन जमीन के नजदीक आएगा और तमाम फरिश्तों ने खुदा भी अर्श के साथ मिले अल्लाह ताला की हम के साथ ये जमीन करते हुए सिर्फ अर्श पर नजर आएंगे, सिर्फ अर्श पर नजर आएंगे। क्यामत के दिन जो अर्श जमीन के नजदीक आएगा वो हकीकत में बैतुल मामूर होगा, वो हकीकत में बैतुल मामूर होगा, ये फरिश्तों ने खुदा का खाना दावा होगा। क्यामत के दिन जमीन के नजदीक आएगा, क्यामत के दिन जो आज जमीन के नजदीक आएगा वो हकीकत में अल्लाह ताला की कुर्सी होगी। क्यामत के दिन जो कुर्सी जमीन के नजदीक आएगी तो क्यामत के दिन जमीन पर सिर्फ तीन साए, सूर्य भी चमकीला है, जन्नत भी चमकीली है, अर्श भी चमकीला है, कुर्सी भी चमकीली है, ऐसे नहीं लगे बैतुल मामूर भी चमकीला है, सिर्फ राजो मनीर भी चमकीला है, राजो मनीर भी चमकीला है। इस वजह से जमीन फिर जमीन पर फिर सिर्फ तीन साए ही नजर आए। सूरत तकवीर है और ग्यारहवीं नंबर आ जा रहा है भाई, इधर समाओ को शेतक खाल पाई जाए, जिसकी जिस वक्त आसमान की खाल उतारी जाएगी भाई, इधर समाओ को शेतक जिस वक्त की आसमान की खाल उतारी जाएगी, क्यामत के दिन आसमान की नीली नीली खाल उतारी जाएगी और इस नीली खाल की जगह सुर्ख खाल आ जाएगी, ये आसमान की सुर्ख खाल सूरज होगी। चलो फिर मान लो क्यामत के आसमान की नीली नीली खाल उतार दी जाएगी और इस नीली खाल की जगह पर सुर्ख खाल आ जाएगी, ये आसमान की सुर्ख खाल सूरज की होगी, ये आसमान की सुर्ख खाल जन्नत की होगी, ये आसमान की सुर्ख खाल अर्श होगी, ये आसमान की सुर्ख खाल कुर्सी होगी, ये आसमान की सुर्ख खाल बैतुल मामूर। क्यामत के दिन जन्नत सब आसमानों को क्रॉस करके जब जमीन के नजदीक आएगी तो बहुत बड़ा सब आसमान बन जाएगी, फिर जमीन से आसमान की नीली खाल नजर नहीं आएगी, आसमान पर नीली खाल नजर नहीं आएगी, सुरु खाल नजर आएगी, ये सुरु खाल अश होगा, ये सुरु खाल सूर्य होगा, ये सुरु खाल जन्नत।
सूरज होगा जो ऐसा ऐसा जमीन के करीब आएगा।
सूर्य जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, जब करीब आएगा तो सुर्ख आसमान हो जाएगा, जब करीब आएगा तो सुर्ख आसमान हो जाएगा। बस दूसरी आयात है सूर शौरा की, पंजवी नंबर आयात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो का समाबाद हो या तो फतर ना मिन फौके हिन्ना, सारे समावा नजदीक हैं, तो का समावा तो नजदीक हैं आसमान, या तो फतर ना मिन फौके हिन्ना के फट जावे ऊपर अपने से, सारे सत्ते आसमान फट जाए, बल मलाइका तो ये सबे हूं ना बेहम दे रहे, और जो फरिश्ते हैं ना ये तस्बीह बयान करते कि थे आसमान पे, इस आसमान पे तस्बीह बयान करते होंगे जी जी जी, बल मलाइका तो ये सबे हूं ना बेहम दे रहे हैं, वयस यस तब फिर हूं ना लेमन फिर आते, एक सूरत नंबर शुरुआत ही पंजवी आयात है, यह तर्जमा है तो तुकादु समावातो या तफतरना मिन फौकिहिन्ना वल मलाइकातु युसब्बिहूना बिहम्दिहिम व यस्तग़फिरूना लिमन फिल अर्ज़, तर्जमा है नजदीक है कि सब आसमान फट जाए ऊपर अपने से, और फरिश्ते पाकी बयान करते हैं किथे आसमान करते होंगे, जी जी फरिश्ते बयान करते होंगे फट जाए करते होंगे, सात तरीक परवरदिगार अपने की के और बख्शिश मांगते होंगे वास्ते इन लोगों के बीच जमीन के हैं, सारे ने वास्ते नहीं, हाँ। जी, जी, जी। बीच जमीन के सारे ने वास्ते नहीं, जो लोग बीच जमीन के हैं उनके वास्ते बख्शिश मांगते होंगे, एक नंबर होर याद है चौदह बार फिर मतलब है इच्छा तुम्हारा तो कार दो समावाद हो या तो फतरना मेन फौ के हिन्न नदी का आसमान फट जाए ऊपर अपने से, और बल मलाइका तो युसबे हूं ना बेहम दे रबे हम, और मलाइका सारे हजर जबरील अस्सलाम ही नाल सारे मलाइका हैं तस्बीह बयान करते साथ हम के परवरदिगार अपने की है, और बख्शिश मांगते मांगते वास्ते उन लोगों के जो जमीन में है, एक दूसरी आयात है उसके यस फरून लेमन फिर अर्द वास्ते उन लोगों के जो ईमान लाए, वो ईमान लाए ये है मतलब है अंबिया वास्ते बख्शी मांगते, तो फिर मैं तुम दस वो भी पढ़ा ये भी है तो का तू समा तो या तो फतर ना मैंने फौक है ना बस मलायक तो यूसुफ हो ना बेहम दे रहे, ठीक है ना अगे अल्लाह तला ने अर्श से आख्या अर्श ते जो मैं अर्श मेरा आएगा ना है ते किनारिया ते फरिश्ते हो गए, किनारिया ते फरिश्ते हो गए और तस्बीह बयान करेंगे परवरदिगार अपने अर्श से, इतने आसमान कहता, हाँ जी एक होर है चार सौ अड़ताली सफा क्या बस इस दिन हो पड़ेगी हो पड़ने वाली, जी भाई यौमाए दिन वाकियात वाकियात वन शक्त समाव है या यौमाए दिन वाहिया चाहे ना वाहिया जी बस फट जाएगा आसमान पर उस दिन वो सुस्त होगा, सही है बल मलको अला जाएगा और फरिश्ते उस आसमान के किनारों पर होंगे, ऐसे आसमान फरमाया ना, हाँ जी हाँ ते वो अर्श दे नाल उथे फरिश्ते आसमान फरमाया, इहदा मतलब है आसमान और अर्श एको है, सही जी सही, हालांकि क्यामत दिन है सही क्यामत दिन फरिश्ते भी दिन क्यामत दिन आसमान आसमान फटे वे जो आसमान फट जाऊंगा उदो आसमान सुस्त होगा, और वल मलको अला अर्जाएगा और फरिश्ते उसके किनारों पर आसमान का किनारा तो है ही नहीं थे, लेकिन फरिश्ते किनारे वो आसमान का किनारा केड़ा होगा जेड़ा फटिया सुर्ख आसमान ओदे किनारे होंगे उस आसमान के किनारे होंगे, साबित हो गया कि जो आसमान जो सुर्ख होएगा आसमान सूरज होएगा, बेशक बल मलक वाला जाए हैं भैया हम लोग अशर बेगा नाल जन हो गया भैया हम लोग अशर बेगा फौकम यौमा दिन समान गया, और उठाएंगे उस दिन सारे तो फरिश्ते
आसमान के किनारे अठ फरिश्ते हो क्यों नहीं नाल जी जी अठ फरिश्ते है वह कितने जाएंगे यामलो अशर बेका फौकम यौमे दिन समानिया उस दिन अठ फरिश्ते अश्ते उठाए होंगे लेकिन उथे अल मलक आला अर जाए लेकिन दूसरे फरिश्ते सारे किनारे ते हो अठ फरिश्ते क्यों नहीं नाल शामिल होए ये मतलब है एको ही शै वल मलक सही जी सही और यहां अशर बेका फौकम यौमे दिन समानिया उस दिन अठ फरिश्ते अर्श अल्लाह पाक दे उठाओगे ये मतलब आसमान के किनारे भी नहीं होंगे अर्श अल्लाह तआला अर्श फरिश्ते उठाओगे ये मतलब की है अल्लाह का अर्श ते आसमान इक्को शै है बेशक बेशक सब ये साबित हो गया ना हाँ जी हाँ बस मैं ऐसा कर सही जी सही हूं मैं जितों को उतर शुरू कर दूं लेमन फिलहाल यही हो गया समझो हाँ की बयान करते हैं सातरी परवरदिगार अपने की और बख्शिश मांगते हैं वास्ते इन लोगों के बीच जमीन के हैं क्यामत के दिन सब आसमान फट जाएंगे ऊपर अपने से ये सब नीले आसमान सिर्फ सूरज की वजह से फटेंगे ये नीले आसमान सिर्फ सूरज की वजह से फटेंगे और सिर्फ सूरज आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नजदीक आएगा और सब फरिश्तगान खुदा सूरज के साथ हूं सब फरिश्तगान खुदा सूरज के साथ होंगे जो फरिश्तगान खुदा सूरज को उठा रहे हैं हाँ जी जो फरिश्तगान खुदा सूरज को उठा रहे हैं और जो सूरज के इर्द गिर्द हैं हाँ जी सब अल्लाह ताला की हम के साथ तस्बीह बयान करते बल गया ना चेंज हाँ सब हम के साथ तस्बीह बयान करते हैं और मगफरत मांगते हैं वास्ते इन पाकों पकीजा लोगों के लिए और मगफरत मगफरत मांगते हैं वास्ते इन पाकों पकीजा लोगों के लिए जो जमीन में है ये सब फरिश्तगान खुदा अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं कि हम इन पाकों पकीजा हस्तियों को जन्नत में पहुंचाएंगे मकसद जो मांगते हैं सानू इजाजत दियो अल्लाह मियां असीं यह काम करना जो जमीन में है जो फरिश्तगान खुदा अल्लाह ताला से पाकों पकीजा हस्तियों की मगफरत मांगते हैं वो ये मांगते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमको इन सबको जन्नत में ले जाने की याद दे दे कि हम इनको जन्नत में पहुंचाए फिर इनसे मुलाकात करेंगे और इनको लेने आएंगे इनको लेने आएंगे और जन्नत में पहुंचाएंगे फिर दूसरी है सूरह मरियम दी नंबर नंबर आयत है तुकादु समावात या तफतरना मिनहु वतन शक्कुल अर्ज वतखिरुल जिबाल हदब नजदीक है कि आसमान फट जाने ऊपर अपने से मिनहु इसे में सूरी से मिनहु में ना सूरी से फट जाएंगे और वतन शक्कुल अर्ज और जमीन भी फट जाएगी सूरज की वजह से वतन शक्कुल अर्ज वतखिरुल जिबाल हदब और फट जाएंगे या उठाए जाएंगे पहाड़ कांप कर गिर पड़ेंगे ये भी सूरज की वजह से फट जाएंगे और गिर पड़ेंगे जो सूरज नजदीक आया ना आपने जलवा दिखाया सब तो ये भी बजेगा फिर नजदीक है सब आसमान फट जाएंगे इससे और जमीन शगाफदा हो जाए और पहाड़ कांप कर गिर पड़े जब सर्दी की वजह से कांप कर गिर पड़े पर जो भी है क्यामत के दिन सब आसमान सूरज की वजह से फट जाएंगे और जमीन भी सूरज की वजह से फटेगी और पहाड़ भी सूर्य की वजह से फटेंगे पहाड़ भी अगर कुरान पाक को पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाए जी जी ये भी कुरान पाक है अगर पहाड़ों को अगर कुरान पाक को पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाए तो ये फट जाएंगे रेजा रेजा हो जाएंगे सही इसकी वजह से फटेंगे इसे कुरान की वजह से फटेंगे इसे सराज मुनिया की वजह से फटेंगे सूर्य की वजह से फटेंगे अर्श की वजह से फटेंगे कुर्सी की वजह से फटेंगे आसमान की वजह से फटेंगे लोहे महफूज की वजह से लोहे महफूज में कुरान है लोहे महफूज की वजह से फटेंगे सही क्यामत के दिन जमीन और पहाड़ सर्दी या गर्मी की वजह से फटेंगे या चांद की वजह से फटेंगे या सूरज की वजह से फटेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से मगर वजह यह होगी या जलजले में फटेंगे आगे सूरत अंबिया भी 104 नंबर है याद यौम नतवि समाओ कतई से जल्ले कुतब कमा बदान अव्वल खल्क मुईद
इसका तर्जमा जिस दिन लिपेट लेवेंगे हम आसमान को, लिपेट लेवेंगे हम आसमान को, नीले आसमान को, सुर्ख को नहीं, लिपेट लेवेंगे नीले आसमान को, जिस तरह लिपेटा जाता है तुम्हार रकमों का, कागजों का तुम्हार लिपेट के ना कूड़ा बना लीजा, तुम्हार रकमों का लिखे हुए चीजों का रकम रकूम है, जैसे शुरू की थी हमने पहली पैदाइश, और दोबारा करेंगे इसको, दोबारा भी हमें करांगे। वो की गल है क्यामत के दिन अल्लाह ताला नीले आसमान को इस तरह लपेट लेगा जिस तरह रकमों का तुम्हार लपेटा जाता है, और क्यामत के दिन सुर्ख आसमान आता जाएगा और नीला आसमान लिपटता जाएगा, नीला आसमान लिपटता जाएगा। ये सुर्ख आसमान सूरज होगा, अल्लाह ताला ने सूरज को सबसे पहले पैदा किया था, अल्लाह ताला ने सूरज को सबसे पहले पैदा किया था, और अब भी क्यामत के दिन सबसे पहले सूरज, क्यामत की सूरज से पहले इब्तिदा की जाएगी। इस तरह सूरज को पहले पैदा किया था, इस तरह क्यामत दिन सूरज को भी सारे पहले मद्दम किया जाएगा, फिर उतारना शुरू किया जाएगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जैसे सूरज की तखलीक इब्तिदा सबसे पहले हुई थी, इसी तरह क्यामत के दिन सबसे पहले क्यामत की इब्तिदा सूरज से की जाएगी। दुनिया की इब्तिदा सूरज से हुई थी, क्यामत की इब्तिदा भी सूरज से होगी। जब सूरज की इब्तिदा क्यामत की इब्तिदा सूरज से ना होगी तो क्यामत नहीं आएगी, ना सूरज नजदीक होएगा, ना क्यामत आएगी, ना जमीन फटेगी, ना पहाड़ फटेंगे, ना कुछ चीज, ना आसमान फटेंगे। सही जी। अल्लाह ताला क्यामत के दिन को सबसे पहले सूरज को मद्दम होने का हुक्म देगा, सबसे पहले सूरज को मद्दम होने का हुक्म देगा, फिर नीचे आने का हुक्म दिया जाएगा। ये क्यामत के दिन की इब्तिदा होगी। फिर मोमन सूरत भी 373 नंबर ही आ गया। अल्लदीना यहमिलून अल अशा व मन हौलहु, अल्लदीना यहमिलून अल अशा, अल्लदीना यहमिलून अल अशा व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही वयस्तग़फिरून लिल्लज़ीन आमनू। ऐसा नहीं हुई, सही जी। तर्जमा है अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्शा, वो लोग जो उठा रहे हैं अर्श को और जो उसके इर्द गिर्द हैं, यो सब्बिहून तस्बीह बयान करते हैं, बेहम्द रब्बिहिम साथ हम्द के परवरदिगार अपने की, और यो मिनून बिही और ईमान लाते हैं इसके से साथ इसके, किसके ईमान लाते साथ इसके ईमान दे रहा भाई, यो मिनू ना बेही, इस पर ईमान लाते हैं, किस पर भाई, यो मिनू ना बेही अल्लाह दी ना या मिनू अश्ते मान लिया मेरे, जिन्हें अश्ते मान लिया था ना, दौरे महफूज से मान लिया था, सराज मुनीर से मान लिया था, सूरी से मान लिया था, अल्लाह ताला दी रबूबियत मनिया और हमद बयान कर, तस्बीह बयान कर, ये तो ईमान भी रखते होंगे, अल्लाह ताला ईमान रखते होंगे। وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ اور بخشی مانگتے واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ایمان لائے لانے والے لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں، پکے ایمان لانے والے صالحین علیہ السلام ہیں، صدیقین علیہ السلام ہیں، شہداء علیہ السلام ہیں، فرما بردار علیہ السلام، اللہ تعالیٰ دے محبوب، اللہ تعالیٰ دے بردوزیہ بندے ہیں، انہوں دے واسطے ایمان جس وقت کے سورج کو لپیٹا جاوے اور جس وقت کے تارے گدلے ہو جائیں، جس وقت کے تارے گر لے جائیں، تشریح ہے جی قیامت کے دن سورج کو لپیٹا جائے گا، اے لپیٹا جائے گا، انو روشنی مدم کی جائے گا، ہاں وہی نا جی جی جی، اے ترجمہ یہی لپیٹی ہے مدم ہو، صحیح، اور اسی وقت تارے گدلے ہو جائیں گے، اسی وجہ لپیٹا گیا نا، اسی وقت تارے گدلے ہو جائیں گے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی لپیٹی جائے گی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی لپیٹی جائے گی، سورج کی روشنی لپیٹی جانے کی وجہ سے ستارے گدلے ہو جائیں گے، اس وجہ سے ستارے سورج سے روشنی حاصل نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ سورج، یہ اس وجہ سے کہ ستارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور اگر سورج کی روشنی نہ لپیٹی جاوے تو ستارے کبھی گدلے نہ ہوں گے۔ ہاں تو جی صحیح درست، سورج کی روشنی قیامت کے دن کس چیز سے لپیٹی جائے گی؟ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں
जो सूर्य से बड़ी हो, जिससे सूर्य लपेटा जाए, जिस वक्त के सूर्य की रोशनी मद्धम कर दी जाए। जिस वक्त के, ये दूसरा तर्जमा, जिस वक्त के सूर्य की रोशनी मद्धम कर दी जाए, क्यामत के दिन सूर्य की आग मद्धम कर दी जाएगी, बिल्कुल मद्धम कर दी जाए। जैसे शाम के वक्त सूरज दिखाई देता है, लेकिन इस दिन सूरज जरूर दिखाई देगा। क्यामत के दिन सूरज की आग मद्धम कर दी जाएगी, बिल्कुल मद्धम कर दी जाएगी, जैसे शाम के वक्त सूरज दिखाई देता है, लेकिन इस दिन सूरज जरूर दिखाई देगा। सूर्य जमीन के नजदीक होने से बड़ा आसमान दिखाई देगा। सूरज जमीन के नजदीक होने से बड़ा आसमान दिखाई देगा। सूरज की वजह से सब सितारे छुप जाएंगे। सब सितारे बेनूर हो जाएंगे, सब सितारे गदले हो जाएंगे, सब सितारे मिटाए जाएंगे, सब सितारे तितर बितर हो जाएंगे, कुछ सितारे गह जाएंगे, सब सितारे जमीन के नजदीक नजदीक आ जाएंगे। सब सितारे या सियारे जमीन के नजदीक नजदीक आ जाएंगे कि, लेकिन जमीन के ऊपर जो सूर्य की तरफ सिर्फ तीन सितारे दिखाई देंगे। सूर्य की तरफ, जमीन से सूर्य की तरफ सिर्फ तीन सितारे दिखाई देंगे। ये सितारे पत्थर की मानद नजर आएंगे, ये सात सितारे पत्थर की मानद नजर आएंगे, गह जाएंगे। लेकिन एक सितारा अतारद होगा, एक सियारा जोहरा होगा, एक सियारा चांद होगा, लेकिन चांद सियारा जमीन के बिल्कुल नजदीक होगा। इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल गह जाएगा। ये चांद बिल्कुल गह जाएगा क्योंकि ये सितारा सियारा चांद सूरज और जमीन के बिल्कुल सीध में होगा, इसलिए गह जाएगा, अपनी रोशनी ना देगा। इन तीनों सियारों का साया जमीन पर पड़ेगा, चौथा साया किसी और सियारे का नहीं होगा। सूर्य को कोई और सितारा ढांप नहीं सकता, अगर ढांप जाए तो साया नहीं हो सकता। अगर किसी ने ढांप लिया तो इसका साया कैसे होगा जमीन पर, कैसे होगा? सितारा सूर्य जाहिर होएगा तो साया होगा, इस मतलब है ढांप नहीं सकता, इस रोशनी मद्धम की जाएगी। सूरज को कोई और सितारा ढांप नहीं सकता, यानी सूरज की रोशनी को कोई और सितारा या सियारा ढांप नहीं सकता जिससे सूरज की रोशनी मद्धम हो जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा सितारा होगा वही सूरज को ढांप सकता है, वही सूरज की रोशनी को ढांप सकता है, वो भी सूरज और जमीन में सबसे बड़ा हो। लेकिन सूरज को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बनाया है कि इसमें 13 लाख जमीनें समा सकती हैं, 13 लाख से ज्यादा सियारा अतारद समा सकते हैं, 13 लाख से ज्यादा सियारा जोहरा समा सकते हैं, 13 लाख से ज्यादा चांद समा सकते हैं। सूरज को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बनाया है, सूरज की रोशनी को ढांपने के लिए कोई इससे बड़ा सूर्य दरकार होगा। लेकिन जमीन पर तीन साये होंगे, चौथा साया किसी और सियारे का नहीं होगा। अगर सूरज को ढांपने के लिए कोई और सियारा लाया गया या कोई सितारा लाया गया, तो कोई सूरज लाया गया या और कोई जन्नत लाई गई या और कोई बैतुल मामूर लाया गया या और कोई कुर्सी लाई गई, तो जमीन पर चार साये हो जाएंगे। जमीन तस्दीक है ना, अल्लाह ताला ने एक नुक्ता रखता है, अगर वो मिटाया जाए तो कुछ नहीं रहता। सही, तो बैतुल मामूर लाया गया या और कोई कुर्सी लाई गई, कुर्सी लाई गई, तो जमीन पर चार साये हो जाएंगे। तीन साया तो सियारा अतारद, सियारा जोहरा, सियारा चांद का होगा, चौथा साया सूरज को ढांपने वाले का होगा, इसलिए जमीन पर चार साये हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक जमीन पर सिर्फ तीन साये होंगे, क्या हमको दिन सिर्फ तीन साये होंगे, ये साये सिर्फ सूर्य की वजह से होंगे, ये साये सिर्फ सूर्य की वजह से होंगे, लेकिन ये साये मद्धम होंगे जो सूर्य की तपश से बचा नहीं सकेंगे, सूर्य की रोशनी कम हो जाएगी, सूर्य सुर्ख रंग की रोशनी हो जाएगी,
दहकते कोले की मंद रोशनी होगी, दहकते कोले की मानद रोशनी होगी। इससे मालूम हुआ सूर्य की तपश होगी लेकिन रोशनी कम होगी, और तपश भी कम होगी, तपश भी कम होगी। अगर सूर्य की रोशनी मंद ना हुई तो क्यामत के दिन सूर्य हर एक चीज को जलाकर राख कर देगा। अगर सूर्य की रोशनी मध्यम ना हुई तो क्यामत के दिन सूरज हर एक चीज को जलाकर राख कर देगा, क्योंकि सूरज के नजदीक करोड़ों मीलों से भी कोई नहीं आ सकता। पहला सितारा जो सूरज के नजदीक है 4-5 करोड़ के मील के फासले पर है, वो भी पिघला हुआ है, उसका नाम अतारद है। क्यामत के दिन सूरज ने भी जमीन के नजदीक आना है, क्यामत के दिन सूरज ने भी जमीन के नजदीक आना है। अगर सूरज क्यामत के दिन जमीन के नजदीक ना आया तो जमीन पर क्यामत हरगज ना आएगी, क्यामत हरगज ना आएगी। क्यामत के दिन जब सूरज जमीन के नजदीक आया तो जमीन बंजर नाकाबले ज़राअत की हो जाएगी, जमीन रेजा रेजा और भुरभुरी रेत हो जाएगी। जब क्यामत के दिन जन्नत मुत्तकियों के नजदीक कर दी गई, सूरज मुद्रा, जब क्यामत के दिन जन्नत मुत्तकियों के नजदीक कर दी, अभी जन्नत तक दसिया यही मजमून जन्नत का क्या पड़ेगा जी जी। जब क्यामत के दिन जन्नत मुत्तकियों के नजदीक कर दी गई तो जमीन पर सिर्फ 3 साए ही होंगे, तो जमीन पर सिर्फ 3 साए ही होंगे। देखो ना लफ्ज़ का, जब क्यामत के दिन जमीन नजदीक कर दी गई मुत्तकियों के, तो जमीन पर सिर्फ 3 साए ही होंगे, या सूर्य होगा या जन्नत होगी। जन्नत भी चमकीली हुई तो जमीन पर सिर्फ 3 साए ही होंगे। जब सूर्य क्यामत के दिन मुत्तकी के नजदीक कर दिया तो जमीन पर सिर्फ 3 साए ही होंगे। क्यामत के दिन जब अर्श जमीन के नजदीक कर दिया गया, जब अर्श भी जमीन के नजदीक कर दिया गया तो जमीन पर सिर्फ 3 साए ही होंगे। क्यामत के दिन जब कुर्सी जमीन के नजदीक कर देगी तो जमीन पर सिर्फ 3 साए ही होंगे। क्यामत के दिन जब बैतुल मामूर जमीन के नजदीक कर दिया गया तो जमीन पर सिर्फ 3 साए ही होंगे। अगर जमीन के नजदीक क्यामत के दिन कोई दोजख लाई गई, अगर क्यामत के दिन जमीन के नजदीक कोई दोजख लाई गई तो भी जमीन पर 3 साए ही रहेंगे। एक साया स्यारा अतारद का होगा, एक साया स्यारा जोहरा का होगा, एक साया स्यारा चांद का होगा। ये 3 साए जमीन पर क्यामत को होंगे, ये 3 साए क्यामत को होंगे। चौथा साया जमीन पर किसी और स्यारे का नहीं होगा, लेकिन ये साये सूर्य की मध्यम रोशनी के मध्यम ही होंगे, सूर्य रोशनी के मध्यम ही होंगे। लेकिन इस दुनिया में सूर्य की तेज रोशनी को, तेज रोशनी को कोई स्यारा नजर ही नहीं आ सकता। लेकिन इस दुनिया में सूर्य की तेज रोशनी में कोई सियारा नजर ही नहीं आ सकता। दिन को, दिन को कोई सियारा, कोई सूर्य सियारा नजर आया, सूर्य रोशनी नहीं आ सकता। इस दुनिया में जमीन पर किसी सियारे का साया पड़ता ही दिखाई नहीं देता। हाँ जी, लेकिन क्यामत के दिन जब सूर्य होगा तो 3 सितारे नजर आएंगे, मध्यम नजर आएंगे, पत्थर की मानद नजर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सूर्य की रोशनी मध्यम होगी, मध्यम होगी, फिर नजर आए। अगर चमकीली हुई तो मध्यम वो कुछ नजर नहीं आएगा, फिर हर चीज चमकेगी। अगर सूरज की तेज रोशनी में कोई सितारा नजर ही नहीं आता है, इस दुनिया में जमीन पर किसी सितारे का साया पड़ता दिखाई नहीं देता है, अगर सूरज जमीन के दरमियान में सूरज के अलावा कोई और जन्नत मुत्तकियों के नजदीक कर दी गई तो जमीन पर 4 साए हो जाएंगे। एक साया जन्नत का भी शामिल हो जाएगा, लेकिन सूरज को ढांपने के लिए बहुत बड़ी जन्नत दरकार होगी, जो सूरज से बड़ी होगी और हर तरफ रात हो जाएगी। अगर और हर तरफ रात हो जाएगी, लेकिन बड़ी होगी रात ही होगी, उसका साया जमीन पड़ता ही, क्योंकि जन्नत बड़ी होगी तो ढांपेगी ना सूरज को। रात जमीन पर रात हो जाएगी, हर तरफ रात हो जाएगी, क्योंकि सूरज से बड़ी होगी। तो जो सूर्य से बड़ी होगी तो हर तरफ रात हो जाएगी, लेकिन जमीन पर क्यामत का दिन होगा। लेकिन जमीन पर क्यामत को दिन होगा, क्यों होगा? जन्नत की वजह से दिन होगा, दिन होगा। जमीन पर सूर्य की वजह से सिर्फ 3 साए होंगे, चौथा साया जमीन पर किसी और सियारे का नहीं होगा, और सूर्य के पास से गुजर कर कोई और सियारा सूर्य और जमीन के दरमियान में नहीं आ सकता, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है।
सूरज बहुत बड़ा है, सूरज के पास से कोई और सियारा गुजर ही नहीं सकता। अगर कोई सियारा सूरज के पास से गुजर भी गया तो ये सियारा सूरज जमीन के दरमियान में नहीं आ सकता, अगर आएगा तो कहीं और जाएगा, दरमियान में नहीं आ सकता। इससे मालूम हुआ क्यामत के दिन अल्लाह ताला सूरज की रोशनी को मद्धम कर देगा, इतनी मद्धम कर देगा जितनी इस दुनिया में शाम के वक्त थोड़ी सी रोशनी होती है। मद्धम रोशनी से सूरज की रोशनी सुर्ख रोशनी हो जाएगी, मध्यम रोशनी से सूरज की रोशनी चमकीली से मध्यम हो जाएगी, सुर्ख रोशनी हो जाएगी। जब मध्यम रोशनी सुर्ख रंग की हो जाती है, लाइटें निकलती है, सेक नहीं होता, सही मध्यम हो जाएगी, सुर्ख हो जाएगी। इस दिन अल्लाह ताला सूरज को जमीन के नजदीक आने का हुक्म देगा, मध्यम रोशनी होते हुए फिर हुक्म देगा जमीन के आने का, आने का हुक्म देगा। जैसे जैसे ये सूरज जमीन के नजदीक आता जाएगा, बड़ा बुलूम होता जाएगा। जब सूरज तकरीबन पहले आसमान की जगह पर आ गया, अच्छा, जब सूरज जमीन के पहले आसमान की जगह पर आ गया तो इतना बड़ा हो जाएगा जैसे सारा सुर्ख आसमान होता है, जैसे सारा सुर्ख आसमान होता है। सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। जब सूरज जमीन के नजदीक आएगा तो बहुत बड़ा आसमान हो जाएगा, इसका रंग सुर्ख होगा। इस दिन सुर्ख आसमान आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आएगा, बाहिया इस दिन सुर्ख आसमान जमीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएगा और नीला आसमान आहिस्ता आहिस्ता टल जाएगा, नीले आसमान की जगह सुर्ख आसमान आ जाएगा। क्यामत के दिन स्यारा तारक, स्यारा जोहरा, स्यारा चांद जमीन के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, नजदीक और तो छोटे छोटे आ जाएंगे, लेकिन सूरज के नीचे होंगे, सूरज के नीचे होंगे। जैसे जैसे सूरज जमीन के नजदीक आएगा, ये 3 सियारे भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नजदीक आएंगे और बड़े बड़े दिखाई देंगे, लेकिन सूरज से नीचे होंगे, इतने बड़े दिखाई देंगे जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये सब पत्थर की मानंद नजर आएंगे, सब गह जाएंगे, पत्थर की मानंद नजर आएंगे, इनकी आंखें पथरा जाएंगी, लोगों की आंखें पथरा जाएंगी, यही है पत्थर की आंखें, पत्थर की मानंद नजर आएंगे। ये सियारे जमीन के नजदीक आने से जमीन पर 3 साये हो जाएंगे, ये जमीन पर 3 शाखा साया होगा। इन 3 सियारों के दरमियान से सूरज की सुर्ख रंग की रोशनी आग दर्द ऊंटों की कतारों जैसी लाइट निकलती होगी, इन 3 शाखा साया के दरमियान से जगह खाली होगी ना, चांद जोहरा अतारद, या चांद इधर जोहरा इधर अतारद, मतलब दरमियान में चांद होगा। ठीक, क्यामत ये 3 शाखा साया दोषियों को आग से ना बचा सकेगा, उसके दरमियान से लाइट सूरज की मध्यम रोशनी होगी। मध्यम क्यों रोशनी होगी, अगर सूर्य मध्यम होगी मतलब सूर्य चमकता है ना, उसकी मध्यम लाइट होगी, बड़ी तेज लाइट होगी, लेकिन हमारे लिए दुनिया के लिए बड़ी तेज लाइट होगी, उसमें रोशनी निकलती होगी, लाइट निकलती होगी, रोशनी सुर्ख रंग की रोशनी निकलती होगी, सुर्ख रंग के शरारे निकलते होंगे, इस तरह जिस तरह पहाड़ ऊंटों की तरफ कतार की तरह आ रहा। 3 शाखा साया दोषियों को आग से ना बचा सकेगा, और ना 3 शाखा साया साया देगा, ना साया देगा, अच्छा साया नहीं देगा, और ना दोषियों को आग से बचा सकेगा, बल्कि साया भी होगा लेकिन साया किसी काम का ना होगा, साया किसी काम का ना होगा। ये क्यामत का दिन रोशनी का दिन नहीं है, ये क्यामत का दिन रोशनी का दिन नहीं है बल्कि अंधेरे का दिन है। जैसे शाम के वक्त थोड़ी सी रोशनी होती है लेकिन सूरज की रोशनी सुर्ख होगी, तपश वाली होगी, जैसे कोयला सुर्ख होता है, सूर्य इस मकाम पर होगा जिस वक्त दोपहर होती है, होते होगा होते ही दोपहर होती है, लेकिन मुत्तकी और परहेजगार और अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन अलैहिस्सलाम, सालीन अलैहिस्सलाम, शहदा अलैहिस्सलाम, फरमानबरदार अलैहिस्सलाम क्यामत के दिन की दोपहर अमर से काटेंगे, क्यामत की दोपहर अमर से काटेंगे, और क्यामत का दिन 50,000 साल का होगा, क्यामत का दिन इसी 50,000 साल ये अमर से काटेंगे, दोपहर अमर से काटेंगे, इन दोपहर जो है ना ये अमर से काटेंगे, इसका मतलब है ये जमीन पर नहीं होंगे, जमीन पर नहीं, जमीन पर नहीं, जमीन पर अमर से काटेंगे, अमर के मुकाम पर होंगे, यमन के मुकाम पर होंगे। और जब तक क्यामत का दिन रहेगा दोपहर का दिन रहेगा, अच्छा जी,
हाँ, जब तक क्यामत का दिन रहेगा, दोपहर का दिन रहेगा, सब सितारों और सब सियारों की गर्दिश बंद कर दी जाएगी। सब सितारों और सब सियारों की गर्दिश बंद कर, गर्दिशें बंद कर दी जाएंगी, लेकिन ये सब मुत्तकी और परहेजगार अमन के मुकाम में होंगे। सही। और वो अमन का मुकाम चांद होगा। अच्छा। वो अमन का मुकाम चांद होगा, जो इन सबको सूर्य की गर्मी से बचाएगा। इस दिन ना ये जमीन की कोई तोड़फोड़ सुनेंगे, ना जमीन का कोई खटका सुनेंगे, ना पहाड़ों की तोड़फोड़ सुनेंगे, इस दिन ना सुनेंगे। हसीसा हा है, तोड़फोड़ सुनेंगे नहीं, इनको महसूस नहीं होगी। जो जमीन पर जल्दला जब क्यामत आएगी, जमीन तोड़ अपने खजाने बाहर निकालेगी, जमीन की तोड़फोड़ इनका कोई खटका ना डर सुनेंगे नहीं। इस मुकाम पर अमन में होंगे, इनको अमान होगा, इनको नहीं सुनेंगे। सही। ये सूर्य की गर्मी से बचाएगा, इस दिन की बुराई से बचाएगा, इस दिन की बुराई से बचाएगा इन लोगों को। इस दिन की बुराई क्या है? वो तोड़ फोड़, वो सब तखलत, वो आलिना तब्या, वह हुक्कत है, वो ऐसा जुलजल तिरजा रहा, वाखला जतलर दो अस्का रहा, वह कालन इंसान मा रहा, जाओ मैं दिन तो हद अखबार रहा। इस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान, मैं वो भी तुम सुनाऊंगा, सब अपनी खबरें बयान करेगी कि मैं क्या चीज हूं। इस दिन की बुराई से बचाएगा चांद, इनको इस दिन की बुराई से बचाएगा। इसमें ना इनको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना धूप लगेगी, ना सर्दी लगेगी। ये वहां हर चीज मंगा लेंगे जिसकी ये ख्वाहिश करेंगे। हर चीज मंगा लेंगे जिसकी ये ख्वाहिश करेंगे। अल्लाह ताला क्यामत के दिन इन सब पर अपना खैमा तान देगा। ये अंजील है मेरा, मेरा नहीं जी जी, अंजील मुकद्दस है। अच्छा अच्छा। अल्लाह ताला क्यामत के दिन इन सब पर अपना खैमा तान देगा। वो खैमा क्या होगा? चांद होगा। ये चांद उनको इस तरह उठाएगा जिस तरह पानी को मजर जजर के उठाता है। ये जन्नती खुद ब खुद उड़ के चांद पर चल जाए, जिस तरह चांद पानी को खींचता है, समुद्र के पानी को खींचता है, इसी तरह ये चांद ईमानदारों को खींचेगा अपनी तरफ, जब खुद आकर ले जाएगा, तान देगा और इन सबको पर लवाल हम रख देगा। चांद क्या है? हाँ, ये चांद लवाल हमद है। मुकामे महमूद में, लवाल हमद में अल्लाह ताला मेहमानी करेगा इनकी, चांद में मेहमानी करे। पहली मेहमानी अंबिया अलैहिस्सलाम की, सालीन अलैहिस्सलाम की चांद में होगी, जमीन पर मेहमानी नहीं होगी। जमीन पर तो मेहमानी दोस्तियों की होगी, वहां उनको छोर का दरख्त दिया जाएगा और गर्म पानी पिलाया जाएगा। ये दोस्ती की मेहमानी पहले दिन जमीन पर होगी, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम सालीन की मेहमानी पहले दिन मुकाम अहमद में होगी और मुकाम चांद में होगी और इस खैमे में होगी, लवाल हमद में होगी, मुकाम महमूद लवाल हमद वो देख हुए लवाल हमद, मुकाम महमूद का लवाल हमद, सूरी का लवाल हमद। अच्छा अच्छा। ये और इन सब पर लवाल हमद रख देगा और इस दिन ये सब रहमान की मेहमानी में हुए विचारेंगे याद कराऊंगी। इस ये सब रहमान की मेहमानी में होंगे, इन सब की सबसे पहले लवाल हमद में मेहमानी होगी। ये लवाल हम चांद होगा, क्यामत के दिन अल्लाह ताला लवाल हम इन सब पर तान देगा। मतलब सूरज तो तान देगा, सूरज के थले होंगे, चांद के थले होंगे, उत्ते सूरज होगा, चांद के थले ये सारे लवाल हम के थले होंगे। लवाल हम इन सबको आ गए आबे हयात के चश्मों पर ले जाएगा। तो लवाल हमद इन सबको आबे हयात के चश्मों पर ले जाएगा, आबे हयात के चश्मों पर ले जाएगा, जहां आबे हयात है। आबे हयात कहां है? सूरज में है आबे हयात। हाँ, ये जरिए जानगे सारे है। लवाल हमद इन सबको आबे हयात के चश्मों पर ले जाएगा, जन्नत में पहुंचाएगा। क्यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत को मुत्तकियों के नजदीक कर देगा। क्यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत को मुत्तकियों के नजदीक कर देगा। क्यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत और मावा को हुक्म देगा कि मुत्तकियों के करीब हो जा।
जन्नत बहुत बड़ी है, जन्नत मुल्कुन कबीरा है, ये आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब आएगा। जैसे जैसे ये जन्नत जमीन के करीब आएगी, सिदरतुल मुंतहा जो जन्नत से बिल्कुल करीब है, सिदरतुल मुंतहा जन्नत के करीब है, इंदहा जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा जो जन्नत से बिल्कुल करीब है, ये भी जन्नत से आगे आगे जमीन के करीब आएगी, ये भी जमीन के करीब आएगी, ये भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब आएगी। जैसे जैसे ये जमीन के करीब आएगी, बड़ी मालूम होती जाएगी, ये सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अलैहिस्सलाम का मुकाम है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्तों फरिश्तगान खुदा के साथ, तमाम फरिश्तगान खुदा के साथ भी सिदरतुल मुंतहा के साथ होंगे, तमाम जिब्रील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्तगान खुदा सिदरतुल मुंतहा के साथ होंगे और जमीन की तरफ आएंगे, जन्नतुल मावा पहले आसमान के मुकाम पर होगा, जन्नतुल मावा सूरज पहले मुकाम आसमान के मुकाम पर होगा, जहां आप सूरज है जो चांद है, पहले पहले जन्नतुल मावा पहले आसमान के मुकाम पर होगा और सिदरतुल मुंतहा पहले आसमान से भी नीचे जमीन के करीब होगा, लेकिन जन्नत पहले आसमान के मुकाम पर आकर जमीन के लिए पहला आसमान बन जाएगी। जन्नत जन्नत बहुत बड़ी है, जब ये जब ये जमीन के करीब आई तो जमीन के लिए पूरा आसमान बन जाएगी, लेकिन ये आसमान सुर्ख होगा, लेकिन ये जन्नत सुर्ख होगी, ये आसमान सुर्ख होगा, ये जन्नत सुर्ख होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श ने भी जमीन के नजदीक आना है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श ने भी जमीन के नजदीक आना है, क्योंकि इसके चारों तरफ फरिश्ते होंगे तस्वीर तकदीस करते आना है। क्यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श ने भी जमीन के नजदीक आना है। अर्श अजीम बहुत बड़ा है ना, जो अर्श अजीम है, अर्श अजीम बहुत बड़ा है। क्यामत के दिन अर्श आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नजदीक आएगा, जैसे जैसे ये जमीन के करीब आएगा बहुत बड़ा होता जाएगा। जब ये अर्श जमीन के बिल्कुल करीब आ गया तो जमीन के लिए पहला आसमान बन जाएगा, सारी जमीन को घेर लेगा, साथ फरिश्ते खुदा और रूह पाक भी होगी, और खुदा पाक भी साथ ही होगा, और खुदा पाक भी साथ होगा, रूह पाक भी होगी और खुदा पाक भी होगा। ये सब अर्श के नीचे सफों की शक्ल में हम के साथ तस्बीह तकबीर करते हुए सुर्ख जन्नत पर दिखाई देंगे, और ये सब नमाज पढ़ते हुए दिखाई देंगे, वाजे तौर पर दिखाई देंगे, सुर्ख अर्श पर दिखाई देंगे, सुर्ख सूरज पर दिखाई देंगे, सुर्ख बैतुल मामूर पर दिखाई देंगे, सुर्ख जन्नत पर दिखाई देंगे, सुर्ख मस्जिद अक्सा पर दिखाई देंगे, सुर्ख आसमान पर दिखाई देंगे, लेकिन जमीन अल्लाह ताला के नूर से चमक जाएगी, लेकिन जमीन अल्लाह ताला के नूर से चमक जाएगी, सूरज से चमक जाएगी, जन्नतुल मावा से चमक जाएगी, अर्श अजीम से चमक जाएगी, बैतुल मामूर से चमक जाएगी, मस्जिद अक्सा से चमक जाएगी, रोशन हो जाएगी जमीन का रंग, जमीन का रंग तांबे की मानद सुर्ख होगा, जमीन का रंग भी तांबे की मानद सुर्ख हो जाएगा। अगर सूरज का रंग सुर्ख है, आसमान का रंग, हर चीज का रंग सुर्ख है, तो जमीन का रंग सुर्ख क्यों ना होगा? जैसी रोशनी होगी वैसी जमीन हो जाएगी। क़यामत के दिन जमीन सूरज की वजह से बंजर नाकाबिल ज़रात भुरभुरी रेत चटिल मैदान हो जाएगी। क़यामत के दिन जमीन तोड़ तोड़ कर रेजा रेजा कर दी जाएगी। क़यामत के दिन जमीन तोड़ तोड़ कर रेजा रेजा कर दी जाएगी। क़यामत को जमीन लंबी कर दी जाएगी, मुद्दत कर दी जाएगी। क़यामत को जमीन दराज कर दी जाएगी। क़यामत को जमीन अपने सब खजाने बाहर निकाल देगी। क़यामत को जमीन खाली हो जाएगी, जिन्होंने अल्लाह ताला तखलत कह दे खाली हो जाएगी, मतलब कोई शायर नहीं सही दीवार को, जिन्होंने अल्लाह ताला खाली कह दे अल्लाह ताला होगी तखलत जी जी, वो खाली हो जाएगी, आपने अपने दफीने बाहर निकाल देगी। क़यामत को जमीन अपने सब दफीने बाहर निकाल देगी। क़यामत के दिन जमीन पर से सब पहाड़ उठा लिए जाएंगे, सब पहाड़ ऊन धुनी हुई की मानो सुर्ख होंगे, ऊन सुर्ख धुनी हुई ऊन सुर्ख की मानद होंगे, और क्योंकि सूरज की लाइट सुर्ख होगी तो पहाड़ भी सुर्ख ऊन धुनी की मानद होंगे। क़यामत को जमीन चटियल मैदान हो जाएगी, इस पर ना कोई टीला और ना कोई उजान रहेगी। क़यामत के दिन जमीन पर से खाना काबा उठा लिया जाएगा, जमीन अंदर से खोखली हो जाएगी, जमीन में सिर्फ पहाड़ों की मेखे रह जाएंगी जो बवजह सुकूनों की होंगी। तो क्या जो जमीन दोजख है उसमें है नहीं मेरे उसके सुतून, और वो भी मैं तो दस लिया जब ए सूरत तो मैं गया ही जब वो कौन था अपना अगले दिन पढ़ लगे वो भी
अपना सूरज जलदार है इदा जुदल तरह तो अलकारिया तो मलकारिया तो वैर उनले हमला तिलो मजा ये सारी सूरत ऐसे मुतलक है। हां सही ऐसे ऐसे मुतलक है सतूनों के मुतलक। हां जी हां जी है सतूनों को मुतलक है जमीन के सतून रह जाएंगे लेकिन और किसे सारे सतून है ही नहीं पहाड़ ही है लेकिन अल्लाह ताला ने यह दस ना जमीन के सतून पहाड़ से मुकर करते ताकि जमीन हिलने ना पाए यह मतलब अल्लाह ने पहले मुकर करते अदम से मुकर की हुई है जमीन में से पेट्रोल मिट्टी का तेल गैस पत्थर का कोयला रेत पानी मिट्टी गंधक सब निकल जाएंगे जमीन बिल्कुल खाली हो जाएगी जमीन के ऊपर सब ये चीजें आ जाएंगी और जमीन से मोटी हो जाएगी और जमीन इससे और दराज हो जाएगी जो क्यामत के दिन जमीन पर सब चीजें जलने लगेगी जमीन के ऊपर और इस वजह से सारी जमीन अल्लाह ताला के हुक्म से रोशन हो जाएगी इससे रोशन होगी जमीन क्यामत के दिन जर्द रंग की होगी जमीन की रोशनी जर्द रंग की होगी गैस की रोशनी जर्द रंग की होगी पेट्रोल की रोशनी जर्द रंग की होगी गंधक की रोशनी जर्द रंग की होगी जमीन तांबे की मान जर्द होगी जमीन की रोशनी जर्द ऊंटों की कतारों की तरह जर्द होगी सूरज की रोशनी भी जर्द होगी जमीन पर आग ही आग होगी जमीन की रोशनी भी जर्द होगी सूरज की रोशनी भी जर्द होगी सुर्ख होगी सुर्ख आसमान पर जो स्यारा तारक स्यारा जोहरा स्यारा चांद होंगे पत्थर की मानंद नजर आएंगे इन पर नीचे से सूरज की रोशनी न पहुंची होगी काफर मुशरकों मुनाफिकों बदकारों गुनाहगारों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी क्यामत का दिन देखकर इनकी आंखें पथरा जाएंगी क्यामत का दिन देखकर इनकी आंखें पथरा जाएंगी वो यही वजह कि इनको तीन सारे पत्थर की मानंद नजर आएंगे क्यामत के दिन जमीन गैर जमीन से बदल जाएगी ये जमीन ना होगी क्यामत के दिन क्यामत के दिन जमीन दोजख में तब्दील कर दी जाएगी क्यामत के दिन जमीन कैदखाना में तब्दील कर दी जाएगी क्यामत के दिन जमीन सिज्जीन में तब्दील कर दी जाएगी इसका अमालनामा सिज्जीन में है तुम कह जाओ सिज्जीन क्या है सिज्जीन ना मैं कैदखाना सिजने ओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिजन च कैद थी वो सिज्जीन है कैदियों का मुकाम सिज्जीन में तब्दील कर दी जाएगी दोजख अंदर से खोखली होगी दोजख अंदर तो खोखली होती है दोजख का मकान अंदर खोखला है तो दोजख होगी ये दोजख अंदर तो मतलब है बाहर हुई फिर तो दोजख नहीं तो दीवारा होनगियां कोई दिखर नहीं सकेगा हाथ में की हुई सुर्ख आसमान में जबकि सारा आसमान माही मानद कंछर तेल के हो जबकि सारा आसमान ही मानद तिलछित तेल के हो जबकि सारा आसमान ही रोशन हो इतनी बड़ी रोशनी मद्दम के सामने ये तीन स्यारे स्यारे के लिए स्यारे कैसे साया देंगे ये तो जमीन पर सिर्फ तीन छोटे छोटे साये होंगे ना ये दोस्तियों को शोले आग से बचा सकेंगे और ना ये साया देंगे इतने बड़े आसमान में जो सारा चमकता होगा एक छोटे से छोटे सितारे वो क्या साया देंगे इतने साया होंगे और दूसरा सूर्य जो साया होगा मिटा देगा सही साया भी होगा लेकिन साया नजर भी नहीं आया मतलब ना साया देगा लेकिन जमीन पर साये जरूर होंगे क्योंकि बड़े बड़े होंगे ना ये जमीन पर साये जरूर होंगे लेकिन वो साये किसी काम के नहीं होंगे लेकिन ये तीन साये जमीन पर सूरज की वजह से हुए इतने बड़े सूरज के सामने क्या साया देंगे क्या शोले आग से बचाएंगे क्या मत के सूरज जमीन के इतना नजदीक आ जाएगा जैसे बहुत बड़ा सूरज सुर्ख आसमान होता है ये तीन शाखा साया क्यामत के दिन ना साया देगा ना दोजखियों को शोले आग से बचाएगा क्यामत के दिन मुत्तकी परहेजगार अंबिया अलैहिस्सलाम सिद्दीकीन अलैहिस्सलाम शहदा अलैहिस्सलाम सादिक अलैहिस्सलाम पैगंबरदार अलैहिस्सलाम ये सब चांद के अंदर चले जाएंगे ये चांद क्यामत के दिन इन सबको ऐसे उठाएगा जैसे समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचता है और मद्दोजजर होता है इस दिन इन सब की मेहमानी चांद में होगी इस दिन इन सब की मेहमानी चांद में होगी इस दिन इन सब की मेहमानी रहमान की तरफ होगी सही इस दिन इन सब की को जमीन की तोड़ फोड़ पहाड़ों की तोड़ फोड़ जमीन का कोई खटका ना जमीन का कोई डर महसूस होगा इस बात का भी हो गए जमीन तो हो गए नहीं क्यामत के दिन ये सब सूरज की गर्मी से बच जाएंगे इस दिन ये सब अमन में होंगे दोपहर आराम से काटेंगे ये सब क्यामत के दिन जो 50,000 साल का दिन होगा अमन से काटेंगे क्यामत के दिन अल्लाह ताला इन सब को अपने खैमा में छुपा लेगा अपने सायाबान में छुपा लेगा जो क्यामत के दिन इन सब को सूरज की गर्मी से बचाएगा क्योंकि चांद का मुंह जमीन की तरफ होगा
क्योंकि चांद का मुंह जमीन की तरफ होगा और चांद की पुष्ट सूर्य की तरफ होगी, चांद की पुष्ट सूर्य की तरफ होगी। क्यामत के सारे दिन ये सब सालहीन, ये सब बुत की परहेजगार चांद में बैठे हुए दोजखियों का हशर देखेंगे और पूछेंगे तुम दोजख में कैसे आए। उनकल्लम ना को मिनल मुसल्लीन, अभी नमाज नहीं सी पढ़ते, ऐसे बातें पूछेंगे। मैं इतने नजदीक होंगे, मतलब आवाज सुनाई देगी ना, नजर भी आगे सुनाई देंगे। ये सब तख्तों पर बैठे हुए दोस्तियों का हशर देखे, अलल आराय की जन जरूर, अलल आराय के जन जरूर, ये सब तख्तों पर बैठे हुए दोस्तियों का हशर जमीन पर देखेंगे, मतलब देखेंगे। एक दिन ये सब अमन में, अमान में होंगे और चांद में होंगे, जोहरा में होंगे, अतारक में होंगे, स्यारा होंगे, और इन सबको जमीन का कोई खटका और न कोई डर महसूस होगा। ये तीन स्यारे क्यामत को कह जाएंगे पत्थर की मानो दोस्तियों को नजर आएंगे, पत्थर की मानो दोस्तियों को नजर आएंगे, जो चांद में होंगे उनको नहीं नजर आएंगे, दोस्तियों को नजर आएंगे। लेकिन ये सब बुद्ध की परहेजगार लवाल हमद में होंगे, लवाल हमद में होंगे। हमद क्या, हम का मुकाम तो है लवाल हमद, जरा हमद के मुकाम की निशानदेही करता है। एक चंद ने लवाल हम मुकाम महमूद की निशानदेही करनी है, इस बात का नाम लवाल हमद है। मेरी तरफ हो लवाल हमद में होंगे, अल्लाह ताला के खैमा में होंगे, अल्लाह ताला के साहिबान में। अल्लाह अच्छा जी, हुण एक होर हुण तुहानू मैं चंद दसणा, इलर रहमान वफदा। अच्छा, अरे इलर रहमान वफदा ना मेहमान, सारे रहमान की तरफ, ये है। और फरिश्ते लैन आऊंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على محمد وآل محمد جميع الأنبياء والمرسلين۔ سورة الانشقاق دی 18واں نمبر سورۃ ہے، یہ تھوڑی جی ملکی ہے، تھوڑی جی پیچھے بھی ہے۔ لا ترکہن طبقن ان طبقن، جی پڑھی ہے، لا ترکہن طبقن ان طبقن، सजमा है अलबत्ता सवार हो गए तुम एक हालत पर एक हालत से, एक तबका से दूसरे तबका पर, है कि नहीं है, है। लेकिन जन्नती कितने सवार होंगे, अल्लाह ताला ने तबक फरमाया, वो तबके के जरिए सवार होंगे। वो तबका क्या, अच्छा, तबकर अन तबकर, तबकर अन तबकर, तबक 14 तबक जमीन के जुम्बश में आ गए, अलबत्ता सवार होंगे जी, रख अलबत्ता सवार होंगे, ला तर्क बोलना तबकन अन तबकन, एक अलबत्ता सवार होंगे एक तबका पर, अन तबकन एक तबका से, एक तबका पर, हाँ जी, एक एक तबका पर, एक तबका पर सवार होंगे, ठीक जी। फिर अलबत्ता सवार होगे तुम एक हालत पर एक हालत से, तशरीह दी सब मुत्तकी परहेजगार, अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन अलैहिस्सलाम, सालीन अलैहिस्सलाम, शहदा अलैहिस्सलाम, फरमा बरदार अलैहिस्सलाम, ये सब लोग क्यामत दिन एक हालत पर एक हालत से सवार होंगे, ठीक, और एक तबक पर एक तबक से सवार होंगे, एक स्यारे पर एक स्यारे से सवार होंगे, एक स्यारे पर एक स्यारे से सवार होंगे, जमीन से चांद पर सवार होंगे, इनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, इन पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुर्ख आसमान पर तीन तबक होंगे, सुर्ख आसमान पर तीन तबक होंगे, अच्छा,
सूरज आसमान पर तीन तबक होंगे, सूरज आसमान पर तीन तख्त होंगे, अल्लाह लाराय की जंग जरूर तख्तों पर बैठकर नजारा करेंगे, सूरज आसमान पर तीन तबक होंगे, इसके नीचे होंगे तब, सूर्य के लिए तीन तबक होंगे, जन्नत के लिए तीन तबक होंगे, कुर्सी के लिए तीन तबक होंगे, स्वर्ग आसमान पर तीन तबक होंगे, स्वर्ग आसमान पर तीन तख्त होंगे, एक तबक चांद होगा, एक तबक जोहरा स्यारा होगा, एक तबक स्यारा तारक होगा, इन तीनों तबकों का साया जमीन पर पड़ेगा, लातर को बोलना तबक नाम तबक से ही, इन तीनों तबकों का साया जमीन पर पड़ेगा, क्यामत के दिन मुत्तकी परहेजगार इन तीनों तख्तों पर बैठकर दोजखियों का और जमीन का हशर देखेंगे, देखेंगे क्योंकि इनको ना जमीन की तोड़ फोड़ देखेंगे जरूर, लेकिन जमीन का तोड़ फोड़ खटका सुनेंगे, सुनेंगे उनको महसूस नहीं होगा, देखेंगे जरूर यम जरूर, ये तीन तख्त मुत्तकियों पर, ये तीन तख्त मुत्तकियों परहेजगारों को जन्नत में पहुंचाएंगे, ये तीन तख्त मुत्तकियों परहेजगारों को जन्नत में पहुंचाएंगे, आसमान पर पहुंचाएंगे, जन्नत में पहुंचाएंगे, उसी पर पहुंचाएंगे, अक्ष पर पहुंचाएंगे, फरिश्तों के साथ पहुंचाएंगे, सूरज जन्नतुल मावा है जिसमें पहुंचाएंगे, सूरज के साथ स्यारा तारद है जो वो सिरतुल मुंतहा है, ये स्यारा तारद जबरील अलैहिस्सलाम का मुकाम है, तो मुकाम महमूद सकार दो आलम का मुकाम है, स्यारा चांद ये बीबी फातिमा तुज़्ज़ारा सलवातुल्लाह अलैहा का तख्त है, बीबी पाक का तख्त है, जो ये जीवना जागरण तख्त बीबी फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा का तख्त है, ये जन्नत खातून सलवातुल्लाह अलैहा का तख्त है, ये तख्त लवाउल हम्द है, ये तख्त लवाउल हम्द है, जिन्हें उसकी चादर भी कह सकते हैं, जिन पर्दा भी कह सकते हैं, ये हम्द का पर्दा है, हम्द की चादर है, हम्दी हम्दी मद खैमा हम्द सब कुछ ही है, ये तख्त लवाउल हम्द है, ये तख्त लवाउल हम्द है जिस पर सब मुत्तकी परहेजगार क्यामत के दिन दोपहर काटेंगे, जिस दिन मुत्तकी परहेजगार क्यामत के दिन दोपहर काटेंगे, जमीन और आसमान के दरमियान कोई जन्नत आ ही नहीं सकती, अगर कोई जन्नत आ रही तो जमीन पर चार साए हो जाएंगे, गंद वही हो रही है, जन्नत आ रही तो जमीन पर चार साए हो जाएंगे, जमीन और आसमान के दरमियान कोई जन्नत है तो सूर्य है, जमीन और आसमानों के दरमियान कोई जन्नत है तो सूरज है, अगर कोई सूर्य से बड़ी जन्नत आ गई तो फिर भी जमीन पर चार साए हो जाएंगे, क्यामत के दिन सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, क्यामत के दिन सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, सराज और मुनीरा हो जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे, क्यामत के दिन सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, सूरज के नीचे चांद होगा इसलिए चांद कह जाएगा, चांद जमीन के बहुत नजदीक होगा, क्यामत के दिन सूरज और चांद तारे जोहरा ये सब जमीन के नजदीक नजदीक आ जाएंगे, सुर्ख आसमान सूरज होगा, सुर्ख आसमान और जमीन के दरमियान कोई दोज़ख आ ही नहीं सकती, अगर आ गई तो फिर भी जमीन के ऊपर चार साए हो जाएंगे, इसलिए जमीन पर सिर्फ तीन साए ही रहेंगे, इसलिए जमीन ही दोज़ख होगी, सूरज जन्नत होगा, जमीन दोज़ख होगी, अगर सूर्य चौथे आसमान पर है तो क्यामत के दिन तीसरे आसमान पर आ जाएगा, अगर स्यारा तारक तीसरे आसमान पर है तो दूसरे आसमान पर आ जाएगा, अगर स्यारा जोहरा दूसरे आसमान पर है तो पहले आसमान पर आ जाएगा, अगर चांद पहले आसमान पर है तो यह जमीन की हदूद में आ जाएगा, जमीन की हदूद में आ जाएगा, इसलिए जमीन की हदूद आ गया तो उस तरह मत जदत के जरिए इंसाना ने उठा रहे, अल्लाह ताला ने ताकत है कि पर ही है जैसे मतलब होएगा करिश्मा आ जाएगा, इसलिए आसमान के सब दरवाजे खुल जाए, इसलिए मुत्तकी परहेजगार जहां चाहेंगे जा सकेंगे, जिस सितारे पर और जिस स्यारे पर अगर चाहेंगे जा सकेंगे, इन तख्तों के जरिए जिस भवे सूर्य जिस मत जाना ही ना, जमीन पर से चांद, चांद पर से जोरा, जोरा पर से अतारत, अतारत पर से सूर्य, सूर्य पर से जहां कहीं चाहेंगे जा सकेंगे, ये फरिश्तगान खुदा की तरह आजाद होंगे, ये फरिश्तगान खुदा की तरह आजाद होंगे, जमीन और आसमान के दरमियान कोई जन्नत है तो सूर्य है, जमीन और आसमान के दरमियान अगर कोई दोज़ख है तो जमीन है, अगर अदालत के हिसाब से देखा जाए, अगर अदालत के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य ही जन्नत निकलेगा,
अगर अदालत के हिसाब से देखा जाए तो सूरज ही जन्नत निकलेगा, अगर और कोई जन्नत बन ही नहीं सकती। अगर अदालत के हिसाब से जमीन को देखा जाए तो जमीन ही दोजख निकलेगी, जमीन ही दोजख निकलेगी, यानी जमीन ही दोजख होने के लायक है, जमीन ही दोजख होने के लायक है। यौम नशर मुत्तकीन लिर्रहमान वफदा, कोई मरीज बच्चा लेना, यौम नशर मुत्तकीन, इधर मैं मुत्तकीन को इकट्ठा करूंगा, कितने इलर रहमान वफदा, मेहमान रहमान की तरफ मेहमान बुलाऊंगा, तो रहमान यही है, जिस दिन इकट्ठा करेंगे हम परहेजगारों को तरफ, रहमान के मेहमान इकट्ठा करेंगे, हशर रहमान की तरफ होगा, ये रहमान का मुकाम चांद होगा, ये चांद लवाल हमद होगा, ये लवाल हमद का मुकाम होगा, हम क्यामत के दिन हम मुत्तकी परहेजगारों को रहमान की तरफ मेहमान बुलाएंगे। थोड़ी आइए और हाकेंगे हम गुनाहगारों को तरफ दोज़ख की प्यासे, इसका मतलब है ओदा नहीं है धक्के देके दोज़ख की प्यासे जाएगा, क्यामत के दिन हम गुनाहगारों को दोज़ख की तरफ प्यासे हाकेंगे, गुनाहगार साहब एक तबका से दूसरे तबका में नहीं जाएंगे, हांकेंगे दोज की नहीं, एक तबका दूसरे तर्क बोलना तबकन तबके दोज की नहीं, तबका तो तबका जाएंगे, गुनाहगार है ये धक्के दे नाल जाएंगे, ये उधर दो दो की पूरी कर देंगे, तो सामने एक बल्दी होगी धक्का देंगे, उसे पिछा पैर खिंचनगे, धक्के दे देंगे, उधर दो वाली पिजाया जाएगा, दो जग वाली पिजाया जाएगा, गुनाहगार साहब एक तबका से दूसरे तबका में नहीं जाएंगे, इन सब के लिए आसमान के दरवाजे बंद होंगे, इन सब के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, इन सब की मेहमानी दोजख में होगी, इन सब की मेहमानी जमीन में होगी, इन सब के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, क्यामत के दिन सबकी मेहमानी जमीन में सीर के दरख्त और गर्म पानी से होगी, सीर के दरख्त और गर्म पानी से होगी, जमीन के चारों तरफ आसमान ही आसमान है, जमीन के चारों तरफ आसमान ही आसमान है, इसलिए आसमान के दरवाजे सब बंद होंगे, आसमान में से कोई और दोज़ख लाई नहीं जाएगी, इन सब के लिए सिर्फ जमीन ही दोज़ख होगी, इसलिए इन सब की मेहमानी जमीन में सींड के दरख्त और गर्म पानी से होगी, इन सबको गर्म पानी की तरफ प्यासे हांकेंगे, ये गर्म पानी और सीन का दरख्त सिर्फ जमीन में होगा और किसी चारे में नहीं होगा, ये दोज़ख की जड़ से निकलेगा, क़यामत के दिन जमीन गुनाहगारों के लिए खाली कराई जाएगी, क़यामत के दिन जमीन गुनाहगारों के लिए खाली कराई जाएगी, जमीन अपने सब अंदर से सब खजाने निकाल देगी, जमीन अपने अंदर से सब बोझ निकाल देगी और खाली हो जाएगी, क़यामत के दिन जमीन दोज़ख में बदल जाएगी, क़यामत के दिन जमीन कारखाना में तब्दील हो जाएगी, क़यामत के दिन जमीन गैर जमीन से बदल जाएगी, क़यामत के दिन इनको गर्म समुद्रों की तरफ हांकेंगे, गर्म समुद्रों की तरफ हांकेंगे, क़यामत के दिन सबको गुनाहगारों को समुद्र की तरफ प्यासे हांकेंगे, इन सब की मेहमानी जमीन में होगी, जमीन इनके लिए दोजख होगी, आसमान जमीन के दरमियान कोई और दोजख आ ही नहीं सकती सवाए जमीन के, क्यामत के दिन इसी जमीन में इनकी मेहमानी होगी, जब तक क्यामत के दिन सब गुनाहगार जमीन पर रहेंगे इनकी मेहमानी गर्म पानी से और सीन के दरख्त से होगी, क्यामत के दिन 50,000 साल इनकी मेहमानी सीन से और गर्म पानी से होती रहेगी, तवाफ कराए जाएंगे गर्म पानी में, ये तूफू ना बहना व बहना हमीम नान, ये इनका गर्म पानी से दो से गर्म पानी में तवाफ कराए जाएंगे, मेहमानी सीन के दरख्त से होगी, फिर ये सब जमीन के अंदर दंसा दिए जाएंगे, फिर अंदर ये जमीन के अंदर दंसा दिए कहर दर्शाए जाएंगे, इन सब की मेहमानी जहन्नम के दरवाजों तक होगी, इधर जहां इनको गर्म पानी पिलाया जाएगा, इन्ना जहन्नम लौमोइदू अजमईन, लौमोइदूहुम अजमईन लहा सबा तो अबवाब लिकुल बाब मिनहुम जुज़ुन मक़सूम मिन वराइ जहन्नम व युस्का मिन माइन सदीद, बेशक जहन्नम अलबत्ता वादा गाह है सबकी और वास्ते उसके 7 दरवाजे हैं, वास्ते हर के दरवाजे इनमें से टोलियां हैं अलहदा अलहदा,
ये सात दरवाजे जहन्नम के सात गर्म पानी के समुद्र हैं। जमीन तो सात समुद्र है, ये सात समुद्र जमीन के दरवाजे है, गर्म पानी दोस्तों के दरवाजे है, जरिए दोस्त की तत्व तो सराह में पहुंचाए जाएंगे। ये तत्व तो सराह ना आपको दोस्तों का मुकाम पढ़ना ना वो ओदे च है सारी चीजा, उसी जीन भी ओदे च है, ओदे च अपनी बैल भी है, ओदे च कार भी है, ओदे च शरीर भी है, हैं ओदे सारी चीजा पाई जांदी है, ओदे बर्दख भी है। ये सात गर्म पानी के समुद्र हैं जिनके जरिए सब दोस्त की इसमें ऊंधे मुंह डाले जाएंगे, कभी जमीन च भी ऊंधे मुंह डाले जाएंगे, अगर पानी होएगा ऊंधे मुंह डाले जाएंगे, इसके बाद भी पानी होएगा ऊंधे मुंह डाले जाएंगे, जो गया ऊंधे मुंह तो मतलब है सेक किया। और समुद्रों की जमीन चपेतली पर है, जमीन चपेतली पर समुद्रों की जमीन रैब पर घसीट कर दोनों के अंदर कैदखाना के अंदर पहुंच जाएंगे। जमीन की पेतली पर समुद्रों की जमीन रेब पर, समुद्र जमीन रेब होगी ना, गर्म पानी होगा, पानी तो छल तेल के होगा, जो उन्हें भी डालेगा और जो तो दो ही पैर सीधे वो जमीन चपेतली होगी, उन्होंने सीट कर फिर जब मतलब ऐ यात्रा जमीन समुद्र जमीन च नहीं जाएंगे, ऐ घसीट कर जाएंगे, जो दोस्तों घसीटेंगे गर्म पानी में घसीटेंगे, घसीट कर दोस्त के अंदर कारखाना के अंदर पहुंचाए जाएंगे। मैं बराए यही जहन्नम वजुस्का में मान शरीर, इसके बड़े जहन्नम है, इस बड़े भाई जन्म लो जी माशाल्लाह है जी। फिर मैं बराए अजाबुल खलील, ये तो बड़ा लंबा काम था हो गया, बस करिए माशाल्लाह है قبول کے منظور فرمائیں یا اللہ، سارے پڑھیا جو اللہ تعالیٰ سارے آدھی بارگاہ منظور کے منظور فرمائیں، محمد والے محمد کا سارے سارے گناہ مٹائیں یا اللہ، سانو نیک کام کرنے توفیق عطا فرمائیں، باقی محمد والے محمد کا یا اللہ سارے سانو سارے کام کرنے توفیق عطا فرمائیں، یا اللہ عبادت خدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، یا اللہ سانو صالح علیہ السلام، صدیق علیہ السلام، شہدا علیہ السلام، فرما بردار علیہ السلام، میاں علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، سانو ایمان دے، ایمان دی طاقت دے، یا اللہ سانو ہر برائی تو پہ بے حیائی دے، برائی تو پہ پلیتی پہ ریش پہ نپاکی تو پہ، یا اللہ عقل دے، یا اللہ علم دے، یا اللہ ایمان دی، ایمان دی سلامتی دے، صبر دے، شکر دے، یا اللہ قبر دے عذاب تو پہ، حشر دے عذاب تو پہ، دوزخ دے عذاب تو پہ، قیامت دے عذاب تو پہ، زمین دے عذاب تو پہ، یا اللہ سانو باقی محمد والے محمد جنت دی جگہ عطا فرمائیں، یا اللہ سانو رفاقت عطا فرمائیں، یا اللہ سانو صالحین دے نال ملائی، انت ولی جی فی دنیا والا آخرات، تو بے شک تو میرا مولا ہے، انت ولی جی فی دنیا والا آخرات، تو آخر کی بھی میرا مولا ہے، توفنی مسلمان، ہمیں مسلمان وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا، یہاں بھی صالحین کے ساتھ ملانا اور آخرت کو بھی صالحین کے ساتھ ملانا، انت ولی فی دنیا والا آخرات، توفنی مسلمان، والحقنی بالصالحین، اللهم صل على محمد وعلى محمد جميع الانبياء والمرسلين، اللهم يا مولا سن تندرستی عطا فرمائیں، یا اللہ سن تبلیغ دی توفیق بھی عطا فرمائیں، یا اللہ ساری ساری غلطیاں بھی دور فرمائیں، باقی جو ساری زبان چ غلط لفظ نکلا مولا معاف فرمائیں، تیرے گناہگار بندے ہیں انبیاء علیہ السلام دے صدقہ سن معاف فرمائیں، یا اللہ صالحین دے صدقہ سن معاف فرمائیں، صدیقین علیہ السلام دے صدقہ سن معاف فرمائیں، پاکاں دا صدقہ سن معاف فرمائیں، امام پاکاں دا صدقہ سن معاف فرمائیں، دوزخ اندر سے کھوکھلی ہوگی، دوزخ کے دروازے بند ہوں گے،
दो दो जमीन के अंदर पहाड़ों की मेघे होंगी, दो दो के अंदर पहाड़ों की मेघे होंगी, ये जमीन के ऊपर और कोई सियारा दोजख नहीं हो सकता। ये ना जमीन के ऊपर और कोई सियारा दोजख हो सकता है, ना कोई सियारा जमीन को क्रॉस करके जमीन के ऊपर आ सकता है। अगर जमीन पर कोई और दोजख आ गई तो जमीन पर सूर्य की वजह से चार साए हो जाएंगे, मतलब मजमू तो ही है ना। चौथा साया दोजख का हो जाएगा, लेकिन जमीन पर क्यामत के दिन सिर्फ तीन साए ही होंगे, चौथा साया किसी और दोजख का नहीं होगा। इसलिए सिर्फ जमीन पर दोजख मालूम होती है, इसलिए सिर्फ जमीन ही दोजख मालूम होती है। ये क्यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से भड़काई जाएगी, क्यामत के दिन भड़काई जाए, पहले नहीं भड़काई जाएगी, क्यामत के दिन भड़काई जाएगी, ये क्यामत के दिन भड़काई जाएगी। और क्यामत के दिन कोई और सियारा दोजख नहीं हो सकता, जमीन के नजदीक सियारा मरीख है जो जमीन से छोटा है, अंदर से खाली भी नहीं है। मरीख ने कभी खाली नहीं किया ना, है ना, किसी और सियारे खाली किया ना, सूरज ने खाली किया ना, आधार किसे खाली किया ही नहीं, लेकिन सिर्फ जमीन वहां से खाली आ गया। क्यों? एक वजह है, अल्लाह ताला ने दसी है, लेकिन लबे ता ही ना, और अंदर से खाली भी नहीं है, और ना ही मरीख के अंदर पहाड़ों की मेघे हैं कुरान पाक में, और इसलिए मरीख दोजख नहीं हो सकता। जमीन के अंदर पहाड़ों की मेघे हैं जो जमीन को सुतूनों का काम देगी, और दोजख के अंदर पहाड़ों की मेघे हैं जमीन में पहाड़ों की, दोजख की पहाड़ों की मेघा, दोजख के अंदर पहाड़ों की मेघे हैं, पहाड़ हैं जमीन में, पहाड़ बहुत बुलंद होंगे, जमीन ये पहाड़ ना और चुड़े जमीन तो लाके जमीन तक होंगे पहाड़, इतने बुलंद होंगे, इन्हें चाहिए इतना होंगे जिमें कि ना वो पहाड़, पहाड़ बहुत ज्यादा होंगे, और हर पहाड़ दे आड़े उदाड़े सब दोजखियां दे घर होंगे, और इतने घर होंगे, इतने जिमें तो आसमां ते आसमां मंदरां होंदियां ना, ये दोजख दे विच इतना पहाड़ होंगे, और हर पहाड़ दे इर्द गिर्द नाल बूटे थोड़दे भी होंगे, हैं उतो पानी वो समुद्र पानी उतो गिरदा भी होगा, पहाड़ों से पैदा हो गया, कोई इन्हें दोजखियां सिर ते गिरेगा, पहाड़ा के आले दुआले घर होंगे, निके निके खुड्डा हो दो फसे हो गए, और गर्मी भी खान गए सब खान गए, है उन्होंने वास्ते थोड़े हो गए, भावे तोड़न वास्ते भावे जिम्मे भी मर्जी है, लेकिन वो इनी जगह खाली होगी, पता इसे बात दो दिन फरमाया तू अल्लाह तेरा होर भेज, मेरे को जगह बहुत खाली है, हालांकि मैं निकी ही है, मेरे जो जगह बहुत है खाली है, होर भी मदीन में मेरे की आ सकते, क्योंकि पहाड़ों के बड़े मकान खाली पै रहे, पहाड़ों की खुडा अच बड़ी खाली पी, तू जिन्हें मर्जी पेजो समाई जाए, क्योंकि पहाड़ ही बड़ा, एक पहाड़ आले दुआले सब घर, तो जमीन आसमान तक घर ही घर हो गए। इस बात मखलूक भी खुदा भी इनी है, अदब तो ला के जरूर ही चली है, ये दुनिया है इसे वास्ते एक जमीन च समा जाएंगे, एक छोटा तंग घर, अल्लाह तला ने जमीन इस वास्ते दो तंग घर फरमाया है, तंग घर लेकिन यह समा बहुत कुछ सकता है। यही वजह है ये पहाड़ा ने मेखा ना, ये निके निके पहाड़ हर थे गुजो, पहाड़ा जाने तो सारे घर में दोस्तियां, और चढ़ चढ़ के जाएंगे डिगन के, जो भी होती अल्लाह तला नजाब देना होता रहेगा, तपश भी होएगी, गर्मी भी होएगी, और तो गर्म पानी भी समुद्र का दिखेगा, सूर्य का गर्म किया है, ये गिरता रहना क्यामत, जिन्ना चिकर सूर्य सुरख रहेगा उन्ना चिकर दोजख रहेगी, जिन्ना चिकर सुरख आसमान रहेगा उन्ना चिकर दोजख रहेगी, उन्ना चिकर जमीन रहेगी, जमीन भी हो रही है आसमान भी हो रही है, आसमान सूरज है, दोजख जमीन है, जिन्हें चिकर जमीन सूरज रहेगा जमीन रहेगी, जिन्हें चिकर आसमान है जमीन रहेगी, जिन्हें चिकर जन्नत और दोजख रहेगी, एक गल ही रल गया ना मसला मामला भी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में दोजखियों के घर होंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में दोजखियों के घर होंगे, सूरज सुराग होंगे, पहाड़ों के ऊपर थोर का दरख्त होगा, गर्म पानी की जो उगता है होगा, जैसे दोजखी खाएंगे और ऊपर से समुद्र को गंदा पानी से पीने को दिया जाएगा, समुद्र का गंदा पानी पीने के दिया जाएगा, जो जो उबलता और गर्म पिघले हुए तांबे की मानो होगा, कल मोहले पानी में कल मोहले फरमाया अल्लाह ताला ने, गर्म पानी होगा तांबे की मानो पिघला हुआ होगा। दोजख में बहुत बड़े पहाड़, पहाड़ों में बहुत सुराख है, सुराख में बहुत दोजखी होंगे, हर पहाड़ के चारों तरफ घर ही घर होंगे, दोजख पहाड़ों से भरी होगी, दोजख के अंदर से बुलंदी आसमान जैसी होगी, दोजख के अंदर बुलंदी आसमान जैसी होगी, इसका किनारा नजर नहीं आएगा, अंदर इसकी इतनी दीवार ऊंची होगी,
ये सब दोजख पहाड़ों से भरी होगी, पहाड़ों में गहरी घर होंगे, ये सब दोजखियों से भरे होंगे, लेकिन फिर भी पहाड़ों में जगह खाली होगी, लेकिन फिर भी पहाड़ों में जगह खाली होगी। हर में मजीद दोजख फरमाएगी माला को होर पेज मैं अजी खाली है। सही है, क्या तू भरी है? आप फरमाएगी मैं अभी खाली माला भेज दू, जो तेरी मर्जी तू भेज ही मेरे वाली, मैं सारा संभालूंगी, मेरी बहुत जगह खाली है जी, खाली जगह है होगी। ये पहाड़ फोस बलक होंगे, ये पहाड़ फलक बोस होंगे, फलक बोस होंगे जी, पहाड़ों मतलब छूते होंगे, फलक बोस होंगे, पहाड़ों से कोई जगह खाली नहीं होगी, पहाड़ों से जगह भी खाली कोई नहीं होगी, फिर जगह भी कोई नहीं होगी, सिर्फ पहाड़ों की जगह जैसे आड़ गड़ घूमन गए ना डिगन गए जिम्मे रस्सिया चढ़ दिया है। सूरज के नजदीक जो स्यारा है वो स्यारा अतारद है, ये सूरज की वजह से पिघला हुआ है, मरकरी की मानद है, मरकरी पारण कर मरकरी की मानद है, पिघले हुए तांबे की मानद है, पिघले हुए तांबे की मानद है। जो स्यारा जन्नत के नजदीक है वो स्यारा सिद्र मुमता है, स्यारा अतारद सिद्र मुमता है, जन्नत अलवावा से बिल्कुल नजदीक है। क्यामत के दिन सूरज और जमीन के दरमियान सिर्फ तीन स्यारों के सिवाय और कोई स्यारा नहीं होगा, ना कोई जन्नत होगी ना कोई दोजख होगी, सिवाय सूरज को जो जन्नत होगा, सिवाय जमीन को जो दोजख होगी, सिर्फ सूरज जन्नत और मावा है, सिर्फ दोजख जमीन होगी, सिर्फ दोजख जमीन होगी। सूरज क्यामत के दिन 15 करोड़ मील का फासला तय करके जमीन के नजदीक पहुंचेगा और जमीन के लिए सुर्ख आसमान हो जाएगा। चांद क्यामत के दिन 230,000 किलोमीटर का फासला तय करके जमीन के नजदीक पहुंचेगा, ये चांद भी जमीन पर छा जाएगा और खैमा की शक्ल में होगा। क्यामत के दिन चांद गह जाएगा, नीचे से चांद पर सूर्य की रोशनी न पहुंचती होगी, लेकिन स्यारा तारक स्यारा दोहरा नीचे से गदले हो जाएंगे, पत्थर की मानद दिखाई देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जमीअल अंबिया वल मुरसलीन। ये अपना सूर्य के मुतलक हो गया, इन तक हम जो अपना टाइम गया वो तो करिए ना बिजली वाला हम माप मुका दे इन ताले को इला जिलिन दी सलास सलास शुआबिन ला जलीलिन वला युगनी मिन अल्लाहबे तर्जमा है इन तालिकू इला जिलन दी सलासे शुआबिन जल्ला जलीलन वला युगनी मिन अल्लाहबे। तर्जमा चलो तरफ साए तीन शाहों वाले के। अच्छा तुझे नहीं समझे थी? अच्छा जी, चलो तरफ साए तीन शाहों वाले के, ना साया देने वाला और ना कफायत करने वाला शोले आपके से। तर्जमा रहे तशरीह जी, क्यामत के दिन जमीन पर से तीन साए होंगे, एक साया स्यारा तारक का होगा, मैं तुम याद पढ़ दी है तो हुई है मतलब याद अभी भी याद है। एक साया स्यारा जोहरा का होगा, एक साया स्यारा चांद का होगा। क्यामत के दिन जमीन पर सिर्फ तीन साए होंगे, तीन शाखा साया होगा जो दोस्तियों को ना गर्मी से बचा सकेगा, ना शोले आग से बचा सकेगा, ना आग की लू से बचा सकेगा, ना आपकी लू से बचा सकेगा, ना साया देगा। सही, ना साया देगा। क्यामत के दिन इन तीन शाखा साया में से शोले आग के निकल निकल कर दोस्तियों को जमीन में जलाएंगे, इस तरीका से जैसे दर्द ऊंटों की कतारें होती। ये तीन शाखा साया क्यामत के दिन ना साया देगा और ना शोले आग से बचाएगा। क्यामत के दिन आसमान मानद तिलछिट तेल के हुआ, क्या कभी आसमान भी मानद तिलछिट तेल के? क्यामत के दिन आसमान मानद तिलछट तेल के होगा, सुर्ख होगा मतलब बड़ा सख्त होगा, गर्म होगी होएगा आसमान गर्म होएगा, तो गर्म आसमान पर नहीं होगा, हो ही शायद ही गर्म होगी। क्यामत के दिन आसमान मानद तिलछट तेल के होगा, इतना बड़ा आसमान मानद तिलछट तेल के होगा, इतना बड़ा आसमान मानद तिलछट तेल के होगा, इतना बड़ा सूर्य मानद तिलछट तेल के होगा, इतना बड़ा सूर्य मानद तिलछट तेल के होगा, इतना बड़ा जन्नत मानद तिलछट तेल के होगा, इतना बड़ा अर्श मानद तिलछट तेल के होगा, इतना बड़ा मुकामे महमूद मानद तिलछट तेल के होगा, इतना बड़ा मुकामे महमूद अयबादा का मुकाम महमूदा, तुम मुकामे महमूद तक जाऊंगा मैं, अल्लाह ताला ने रसूल ने फरमाया तेरे मुकामे महमूद तेन करना भेजना, इतना बड़ा मुकाम है महमूद मानद तिलछट तेल के होगा, इतना बड़ा लोहे महमूद मानद तिलछट तेल के होगा, इतना बड़ा लोहे इतना बड़ा बैतल महमूद मानद तिलछट तेल के होगा, इतनी बड़ा कुर्सी मानद तिलछट